सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप एंड स्वागत करता हूं गिरी ट्यूटोरियल के इस प्लेटफॉर्म पे। सो गाइस, आज मैं लेके आ गया हूं सेकंड चैप्टर जो है हमारा मैथमेटिकल मेथड। सो गाइस, बहुत सारे इसमें ऐसी चीजें ना जो जिसमें बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, तो टेंशन क्यों ले रहे हैं, प्रदीप सर आ गए ना। बट गाइस, आपको क्या करना पता है, हमारा ऑफलाइन क्लास ना 7 से 8 घंटा कंटिन्यू, और उसमें खड़े होकर यार पढ़ाना रहता है, पूरी हालत खराब हो जाती है। बट जो आपके कॉमेंट एंड जो एनालिटिकल में जाके देखते हैं ना यार, कि बच्चे शेयर भी कर रहे हैं, कॉमेंट भी कर रहे हैं, इतना ज्यादा पसंद कर रहे हैं, तो हमें भी कुछ करना चाहिए। तो गाइस, इससे हमें हमारे अंदर एक एनर्जी आती है। तो गाइस, आप हमारे एनर्जी ड्रिंक हो, जितना आप पिलाओगे उतना हमारे अंदर एनर्जी आएगी। गाइस, तो कंटिन्यू आप जितना सपोर्ट एंड प्यार दिखाते रहोगे, जोश आता रहेगा। सो गाइस, प्लीज वीडियो को शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके रख दो। सो गाइस, मैथमेटिकल मेथड के अंदर गाइस सबसे पहले हम देखने वाले स्केलर एंड वेक्टर। स्केलर क्या होता है? द फिजिकल क्वांटिटी विच कैन कंप्लीटली डिस्क्राइब बाय देयर मैग्नीट्यूड। और ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं? स्केलर बोलते हैं। ओके, और एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसको डिस्क्राइब किया जाता है मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन से, वो होता है हमारा वेक्टर क्वांटिटी। बट सर, दोनों का एक एक एग्जाम्पल बताओगे ना तो ज्यादा मजा आएगा। तो चलो एग्जाम्पल बता देते हैं। सबसे पहले स्केलर। स्केलर के बारे में जैसे मैंने बताया कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसको किससे डिस्क्राइब किया जाता है, उसके मैग्नीट्यूड से। बस बस मैग्नीट्यूड बता दो ना, एक नंबर बता दो, न्यूमेरिकली नंबर बता दो, तो हमें समझ में आ जाएगा कि वो कैसा होगा। तो एक एग्जाम्पल देता हूं, एग्जाम्पल से बताता हूं स्केलर के लिए। अब मान लो एक ऐसा पर्सन है जिसका जो हाइट है 5.5 है। हाइट कितना है? 5.5। और उसका जो मास है वो 250 kg है। कितना है? 250 kg। तो आप फटाक से सोच लोगे यार, हाइट 5.5 है और मास सर ने बोला 250 kg है, तो कैसा दिखेगा? मोटा दिखेगा कि पतला दिखेगा? आप अपने आप डिस्क्राइब कर लोगे। और मैंने एक दूसरा एग्जाम्पल लिया, जिस बंदे का जो हाइट है वो है 6.5। ओके, 6.5, पर जो उसका मास है वो है 30 kg। कितना kg है? 30 kg। तो फटाक से आपने डिस्क्राइब कर लिया, अरे हाइट 6.5 है और जो मास है वो 30 kg है। कितना है? 30 kg। तो कैसा दिखेगा? पतला दिखेगा या मोटा दिखेगा? आपने फटाक से डिस्क्राइब कर लिया होगा। कहने का मतलब मैं यहां ये बता रहा हूं गाइस कि जो मास है वो स्केलर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि मास को डिस्क्राइब करने के लिए ओनली एक नंबर की जरूरत पड़ती है, ओनली मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है, इसीलिए वो क्वांटिटी कौन सी? स्केलर क्वांटिटी। द फिजिकल क्वांटिटी विच कैन कंप्लीटली डिस्क्राइब बाय देयर मैग्नीट्यूड, ऐसी क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी। अब बात करते हैं वेक्टर। सर, वेक्टर का भी बता दो। एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसको दोनों की जरूरत पड़ती, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों की जरूरत पड़ती, तो वो कंप्लीटली डिस्क्राइब होते हैं। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं, नहीं आप मुझसे पूछो सर, जो आपकी कार है वो उसका वेलोसिटी अगर आप मुझे बताना चाहो तो वेलोसिटी कितना है। नहीं, आप मेरी कार, मान लो आप मेरी कार लेके कहीं जा रहे हो, आप मेरी कार लेके जा रहे हो, तो मैं आपसे पूछूंगा यार, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके कार की वेलोसिटी कितनी है, तो आप मुझे बताओगे 50 मीटर पर सेकेंड, 50 मीटर पर सेकेंड। तो मैं बोलूंगा मुझे ये भी तो पता चलना चाहिए कार कहाँ जा रहा है। तो वेलोसिटी को डिस्क्राइब करने के लिए हमें एक नंबर की भी जरूरत पड़ती है एंड डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है कि किधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, यहाँ जाएगा, वहां जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, किधर जाएगा। तो उसके लिए हमें दोनों चीजों की जरूरत पड़ती है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो इसीलिए वेलोसिटी, जो वेलोसिटी होता है वो कौन सी क्वांटिटी होती है? वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। द फिजिकल क्वांटिटी विच कैन कंप्लीटली डिस्क्राइब बाय देयर मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। और ऐसी क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं? ऐसी क्वांटिटी को बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। ओके, अब चलते गाइस, वेक्टर क्वांटिटी को दो चीजों से हम रिप्रेजेंट करते हैं। एक लाइन सेगमेंट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और या तो एरो से। अब देखो, ये लाइन सेगमेंट दिया हुआ है। ओके, देखो हमने रिप्रेजेंट कर दिया। इसको जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है इसको बोला जाता है टेल, और जो एंडिंग पॉइंट होता है उसको बोला जाता है हेड। क्या बोला जाता है? हेड। ओके, या तो गाइज हम इस तरह से भी डायरेक्ट सिंबल के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं? रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, या तो एक सिंगल लेटर से बस ऊपर एरो देके इस तरह से भी हम वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऐसा कहीं भी लिखा है तो आप समझ लेना वो क्या है? वेक्टर है। क्या है? वेक्टर है। ऐसा लिखा हुआ है ना, समझ लो वेक्टर। और वेक्टर का मतलब दो चीजें पता चल रही है हमें, हमें डायरेक्शन भी पता चल रहा है एंड उस चीज का हमें मैग्नीट्यूड भी पता चल रहा है। जैसे मैंने वेलोसिटी बता दिया, एक्सेलरेशन बता दिया। एक्सेलरेशन को अगर डिफाइन करना है तो भाई दोनों चीजों की जरूरत पड़ती है, डायरेक्शन भी बताना पड़ता है एंड हमें मैग्नीट्यूड भी बताना पड़ता है, दोनों चीज। मैग्नीट्यूड मतलब एक नंबर, न्यूमेरिकली नंबर। ओके, सो गाइस ये हमारा नोटेशन है किसके लिए? वेक्टर का। बट मान लो अगर मैं वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ, वेलोसिटी में मुझे ये नहीं लेना देना कि उसका डायरेक्शन क्या है, कहाँ जा रहा है, कहीं भी जा रहा है, बस मुझे उस नंबर की जरूरत पड़ेगी कितना वेलोसिटी है, कितना वेलोसिटी है, कितना वेलोसिटी है, मतलब मैग्नीट्यूड। ओनली मुझे मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो मैग्नीट्यूड मैं कैसे फाइंड करूंगा? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी बार। तो अगर मुझे बस मैग्नीट्यूड से मतलब है तो उसको किससे डिनोट किया जाता है? इस तरह से। अगर मैंने ये दो मोड़ दे दिया,
मोड का मतलब क्या होता है, ये बस हम किसकी बात कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड, इस वेक्टर के ओनली मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, इस वेक्टर के बस किसकी बात कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड, तो इसलिए मैग्नीट्यूड ऑफ वी बार। ओके गाइस, तो सभी चीजें मैंने बता दिया, नोटेशन किस तरह से क्या है। अब चलते आगे, टाइप्स ऑफ वैक्टर, जीरो वैक्टर, रिजल्टेंट वैक्टर, नेगेटिव वैक्टर, इक्वल वैक्टर, पोजिशन वैक्टर, और इसके बाद यूनिट वैक्टर, इतने सारे वैक्टर के टाइप है। सबसे पहले जीरो वैक्टर, अ वैक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड, जीरो, अ वैक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड इन एनी डायरेक्शन या आर्बिट्री डायरेक्शन। ओके, एक ऐसा एक सो कोई भी ऑब्जेक्ट है, मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर स्टेशनरी पोजिशन में पड़ा है, तो उसकी वेलोसिटी, अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं, तो उसका वेलोसिटी कितना होगा, जीरो होगा, उसका वेलोसिटी कितना होगा, जीरो होगा। और जो वेलोसिटी होता है वो कौन सी क्वांटिटी होती है, वो होता है वेक्टर क्वांटिटी। ओके, अगर मान लो जस्ट अब ये एग्जांपल ले लेता हूं, अब ये मेरी कार खड़ी है, ये कार रेस्ट में है, रेस्ट में है, तो अगर मैं इसका वेलोसिटी पूछूं, तो इसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा, जीरो, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, जीरो। तो यही तो है ना, अ वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड, जिस भी वेक्टर का ये वेलोसिटी कौन सी क्वांटिटी है, वेलोसिटी जो है वेक्टर क्वांटिटी, और इस वेक्टर क्वांटिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो जीरो है, और ये कार हमारा किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, तो वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड इन आर्बिट्री डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में, ऐसे वेक्टर को हम क्या बोलेंगे, जीरो वेक्टर, हो गया। ओके गाइस, और एक और एग्जांपल आपके बुक में दिया हुआ है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव हो रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव हो रहा है, तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन जीरो होगा ना। यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब, चलो यहां बताता हूं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब स्टार्टिंग वेलोसिटी भी सेम होगा, ये फाइनल वेलोसिटी और ये इनिशियल वेलोसिटी, देखो दोनों सेम है, दोनों सेम है ना, तो इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, एक्सेलरेशन किससे बनता है, वी माइनस यू अपॉन टी से। ओके, वी कितना हो गया फाइ, यू कितना हो गया फाइ, और टाइम समझ लो कुछ भी लगा है टू, तो जीरो अपॉन टू, ओके जीरो हो जाएगा ना। तो इसीलिए अगर कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव हो रहा है, तो उसका एक्सेलरेशन क्या होता है, जीरो, और वो भी जीरो की, अब जीरो आ गया ना, मैग्नीट्यूड जीरो आ गया, तो वो भी कौन सा वेक्टर हो गया, जीरो वेक्टर। तो ये एग्जांपल भी आप दे सकते हो, द एक्सेलरेशन वेक्टर ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी कैसा है, कांस्टेंट है, और वेलोसिटी कांस्टेंट होता है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है ना। अब चलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर की तरफ, रिजल्टेंट, रिजल्ट, नाम से पता चला, रिजल्ट, पहले इसको हम रफ कर देते हैं, रिजल्ट, नाम से समझ में आ रहा है गाइस, रिजल्टेंट वेक्टर, द रिजल्टन ऑफ टू और मोर वैक्टर इज दैट अ सिंगल वैक्टर विच प्रोड्यूस द सेम इफेक्ट एज प्रोड्यूस प्रोड्यूस बाय ऑल द वैक्टर। पहले एग्जाम्पल 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 से बताता हूं। अब मान लो ये गाइस, मैंने दो वैक्टर ले लिया, एक वैक्टर मान लो इसका मैग्नीट्यूड ऑफ थ्री, इसका मैग्नीट्यूड ऑफ फोर, और ये है रिजल्टन वैक्टर, फोर और थ्री क्या हो जाएगा, सेवन। ओके, ये दोनों का सेम इफेक्ट कौन प्रोड्यूस कर रहा है, ये रिजल्टेंट वेक्टर, ये वाला वेक्टर, इसीलिए इस वेक्टर को हम क्या बोलेंगे, रिजल्टेंट वेक्टर। अब देखो मैं कनेक्ट करता हूं, द रिजल्टेंट ऑफ टू और मोर वेक्टर, द रिजल्टेंट ऑफ टू और मोर वेक्टर इज दैट अ सिंगल वेक्टर विच प्रोड्यूस द सेम इफेक्ट एज प्रोड्यूस बाय ऑल द वेक्टर। देखो और फोर एंड थ्री कितना होगा, सेम सेवन होगा, तो ये वाला वेक्टर मेरे लिए क्या होगा, रिजल्टेंट, रिजल्ट दे रहा है ये दोनों वेक्टर का, और सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, तो इसीलिए ऐसे वेक्टर को हम क्या बोलेंगे, रिजल्टेंट वेक्टर। द रिजल्टेंट ऑफ टू और मोर वेक्टर इज दैट द सिंगल वेक्टर, ये सिंगल वेक्टर विच प्रोड्यूस द सेम इफेक्ट एज प्रोड्यूस बाय ऑल द टुगेदर, ऑल वेक्टर टुगेदर। ओके, ये दोनों का सेम, ये वाला रिजल्ट क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, इसीलिए ऐसे वेक्टर को हम क्या बोलेंगे, रिजल्टेंट वेक्टर। अब चलेंगे नेगेटिव वेक्टर, बहुत सिंपल है गाइस, नेगेटिव वेक्टर बहुत ज्यादा सिंपल है। हाँ, एक चीज और बताना था मुझे, ये सिंबल के थ्रू जीरो वेक्टर को हम इस तरह से नोटेट करते हैं, जीरो के ऊपर ऐसा बार दे दो। नेगेटिव वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर दोनों का, अ वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड बट इन अपोजिट डायरेक्शन, सेम मैग्नीट्यूड बट इन अपोजिट डायरेक्शन। जैसे अब मान लो एग्जांपल ले लेते हैं, ये भी इसका भी 10 है, इसका भी मैग्नीट्यूड 10 है, ये नीचे वाले दूसरे वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड 10 है, बट दोनों कैसे अपोजिट डायरेक्शन में, देखो एक का डायरेक्शन उधर है, एक का डायरेक्शन उधर है, तो नेगेटिव वेक्टर ऑफ अ गिवन वेक्टर ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, इसीलिए ऐसे वेक्टर को हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव वेक्टर। इक्वल वेक्टर बहुत सिंपल है गाइस, टू वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन, सेम मैग्नीट्यूड और सेम डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है, ये देखो यहां से हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड भी सेम है, डायरेक्शन भी दोनों का सेम है, मान लो ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है,
इसका भी 10 है, इसका भी 10 है, डिरेक्शन भी यही है, और इसका भी नीचे वाले का भी डिरेक्शन, ए और बी दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन भी दोनों का सेम है। तो ये हो गया हमारा कौन सा वेक्टर है, ये हो गया हमारा इक्वल वेक्टर। तो जीरो मतलब जीरो, रिजल्टेंट मतलब एक ऐसा वेक्टर जो दोनों वेक्टर का, दो या दो से ज्यादा जितने भी वेक्टर है सबका एक वेक्टर रिजल्ट दे दे रहा है, कंबाइंड इफेक्ट दे देता है। नेगेटिव वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड सेम है पर डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। देन इसका इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड भी सेम है एंड डायरेक्शन भी सेम है दोनों वेक्टर का, दोनों वेक्टर जो दोनों फिजिकल क्वांटिटी की हम बात करें दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं और दोनों का जो नंबर है वो नंबर भी क्या है सेम, मतलब मैग्नीट्यूड भी सेम है। अब चलते हैं गाइस पोजिशन वैक्टर की तरफ। अब चलते हैं पोजिशन वैक्टर की तरफ, एकदम सिंपल सा ध्यान दो। अब मान लो ये मैंने कोऑर्डिनेट एक्सिस ले लिया, ये हमारा एक्स एक्सिस और ये हमारा वाई एक्सिस। अब गाइस ये पार्टिकल है, ये क्या है, एक पार्टिकल दिया हुआ है। इस पार्टिकल का पोजीशन, इस पार्टिकल का पोजीशन जो वेक्टर बताता है वो वेक्टर मेरे लिए पोजीशन क्या होता है, पोजीशन वेक्टर होता है। तो ये पार्टिकल है, अब ये दोनों जहां जुड़ रहे हैं ये मेरे लिए क्या ओरिजिन हो जाएगा, इसको मैं ओरिजिन को कंसिडर जीरो जीरो कर लेता हूँ, ओरिजिन हो गया। अब ये वाला देखो, ये वाले पार्टिकल का, इस ये वाले पार्टिकल का अब जो वेक्टर हमें क्या बताएगा, पोजीशन बताएगा, क्या बताएगा, पोजीशन बताएगा। ये देखो यहां से मैं एरो खींचता हूं, देखो अब मुझे पता चल गया इस पार्टिकल का पोजीशन क्या है, इस पार्टिकल का पोजीशन क्या है, अ वेक्टर विच गिव द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल, पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल एट अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन ऑफ अ चूजन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स और वाई ले लिया मैंने, एक्स और वाई ले लिया, और ये पार्टिकल का इस ओरिजिन सिस्टम से क्या पोजीशन है, उस पार्टिकल का पोजीशन क्या है, इसके थ्रू हमें पता चला, इसलिए ये हमारे लिए क्या है, पोजीशन वेक्टर। देखो एक बार और इसको डायग्राम को हम देख के चीजों को समझते हैं। अ वेक्टर विच गिव्स द पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन ऑफ अ चूजन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा एक्स और वाई, कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, इज कॉल्ड अ पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल, इसी को हम बोलेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल। तो किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम के तो जो पार्टिकल्स होता है उसका जो पोजीशन, जो वेक्टर उसका पोजीशन बताता है उसी को हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। अब गाइस लास्ट हमारा यूनिट वेक्टर, जो मैंने यहां लिखा नहीं है, यूनिट वेक्टर मैं चाहता हूं इसका डेफिनेशन आप लिखो पर मैं बता देता हूं। द वेक्टर हैविंग वन मैग्नीट्यूड इन एनी डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर मतलब यूनिट मतलब वन, यूनिट मतलब क्या होता है वन। द वेक्टर हैविंग वन मैग्नीट्यूड इन एनी डायरेक्शन, ऐसे वेक्टर को बोलेंगे यूनिट वेक्टर। क्या बोलेंगे, यूनिट वेक्टर। तो गाइस फटाफट कमेंट करके फिर से लिख सकते हो, द वेक्टर हैविंग वन मैग्नीट्यूड इन एनी डायरेक्शन, वैसे को क्या बोलेंगे हम, यूनिट वेक्टर। सो गाइस ये पूरा क्लियरली मैंने बता दिया, एक एक चीजें मैंने एक्सप्लेन कर दिया, टाइप्स ऑफ वैक्टर भी हो गया और स्केलर और वैक्टर भी हो गया। हम वैक्टर ऑपरेशन देखने वाले, वैक्टर ऑपरेशन मतलब क्या कि उसमें ऐड किस तरह से करते हैं, सब्ट्रैक्ट किस तरह से करते हैं, फिर मल्टीप्लाई किस तरह से वेक्टर्स को करते हैं, ये सभी चीजें हम देखने वाले। तो चलो गाइस सबसे पहले फटाफट। सो सबसे पहले हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर, अगर हम वेक्टर को जब स्केलर के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक दूसरी स्केलर क्वांटिटी है, और जब दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है। तो हमेशा याद रखो, व्हेन एनी वेक्टर क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय स्केलर क्वांटिटी, जो वेक्टर को स्केलर के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है तो जो हमें रिजल्ट मिलता है वो रिजल्ट होता है वेक्टर क्वांटिटी का। ओके देखो यार, मान लो ये एस हमारा स्केलर क्वांटिटी है और ये पी बार है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। जब ये दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमें जो रिजल्ट मिला वो रिजल्ट क्या था, वो रिजल्ट ही वेक्टर क्वांटिटी था। तो व्हेन वेक्टर क्वांटिटी इज मल्टीप्लाई बाय स्केलर क्वांटिटी देन वी गेट वेक्टर क्वांटिटी, देन हमें क्या मिलेगा, वेक्टर क्वांटिटी। सर पर सर ऐसे समझ भी नहीं आया, सर एग्जांपल बताओ ना सर। ठीक है, प्रदीप सर का एग्जांपल बहुत फेमस है। चलो अब ये आपने सुना होगा मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी, ये सुना है। देखो इसके अंदर ये जो मास है ना गाइस, ये होता है स्केलर क्वांटिटी एंड जो वेलोसिटी होता है, ये वेलोसिटी होता है हमारा वेक्टर क्वांटिटी। देखो जब स्केलर को हमने वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया तो जो हमें मिला था वो भी हमारी वेक्टर क्वांटिटी ही है। सही बात है कि ना, क्योंकि मोमेंटम कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। तो ये हम जब स्केलर को, जो हम किसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वेक्टर के साथ, देन हमें जो रिजल्ट मिला वो रिजल्ट भी कौन सी क्वांटिटी हो गई, वेक्टर क्वांटिटी। मैंने एग्जांपल बता दिया, ये 9th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा था। अब इसके बाद गाइस क्वेश्चन ये आता है कि सर आपने चलो इतना सब चीजें तो बता दी, इतनी मस्त मस्त चीजें तो बता के रख दिए भाई, रे जो इतनी मस्त मस्त चीजें बता के तो रख दी, पर ये आपने नहीं बताया कि क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी में हमेशा डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है। तो सर ये स्केलर है और ये वेक्टर है,
दोनों मल्टीप्लाई हुआ, सही बात है। तो आपने बोला हमें जो क्वांटिटी मिलेगी वो क्वांटिटी होगी वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। सो ये जो नया क्वांटिटी मिलेगा वेक्टर क्वांटिटी, इसका डायरेक्शन कैसे डिसाइड होगा? तो डिसाइड होगा ना यार, ये दोनों के अंदर जो भी वेक्टर क्वांटिटी होगा उसका जो भी डायरेक्शन होगा, तो इसमें पी बार ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका जो भी डायरेक्शन होगा रिजल्टेंट का भी वही डायरेक्शन होगा। ओके, तो डायरेक्शन भी मैंने बता दिया कि क्यू बार का डायरेक्शन वही होगा जो पी बार का डायरेक्शन होगा, जो मतलब जो हम मल्टीप्लाई करने के लिए जो वेक्टर क्वांटिटी यूज कर रहे थे ना उसी का डायरेक्शन रिजल्ट का भी उसी का डायरेक्शन होगा। इसलिए यहां लिखा है क्यू बार विल बी अ वेक्टर हुज डायरेक्शन इज द सेम एज दैट ऑफ पी बार। ओके, जैसा पी बार का होगा वैसे रिजल्टेंट क्यू बार का भी होगा। तो गाइस पूरी तरह से बता दिया, अब चलते गाइस मस्त वाला आगे वाला टॉपिक। आगे हमारा है एडिंग एंड सब्ट्रैक्ट, दो वेक्टर को, दो या दो से ज्यादा वेक्टर को हम ऐड किस तरह से करते हैं, सब्ट्रैक्ट किस तरह से कर सकते हैं। सो गाइस एक बात याद रखना कि जब हम दो या दो से ज्यादा वेक्टर को ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उस समय जो क्वांटिटी होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए। मतलब एक फोर्स है तो दूसरी क्वांटिटी को भी अगर हम प्लस कर रहे हैं तो भी फोर्स ही होना चाहिए। ऐसा नहीं फोर्स को हम वेलोसिटी के साथ प्लस कर रहे हैं, ऐसा होने वाला नहीं है। अगर दो सेम क्वांटिटी है, सेम फिजिकल क्वांटिटी है, तो ही वो ऐड हो सकता है और तो ही सब्ट्रैक्ट हो सकता है। तो याद रखना प्लस और माइनस करने के टाइम दोनों फिजिकल क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। वेलोसिटी है तो वेलोसिटी चाहिए, एक्सेलरेशन तो एक्सेलरेशन ही चाहिए, दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटी चाहिए। और दूसरा, अगर हम दो फिजिकल क्वांटिटी को प्लस करते हैं, सेम फिजिकल क्वांटिटी को प्लस करते हैं, तो हमें एक नया क्या मिल जाता है, एक नया वेक्टर क्वांटिटी मिल जाता है। देखो एक ये वेक्टर क्वांटिटी, इस वेक्टर क्वांटिटी को प्लस किया तो एक और हमें क्या मिलेगा, जो रिजल्ट मिलेगा उससे एक और हमें क्या मिलेगा, वेक्टर क्वांटिटी। समझ में आया? तो ये बस बताया मैंने। अब यहां लिखो व्हेन टू और मोर वेक्टर्स गेट एडेड एंड सब्ट्रैक्ट देन दे मस्ट बी ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी, ये मैंने बताया। और एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स ऑलवेज गिव अनदर वेक्टर, ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो हमें एक नया वेक्टर उसके थ्रू मिलता है। पर मल्टीप्लीकेशन में क्या आता है, स्केलर और वेक्टर, स्केलर और वेक्टर दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते तो हमें जो रिजल्ट होता है वो किसका होता है, वेक्टर क्वांटिटी का। याद रखना, याद रखना। चलो आगे चलते। अब गाइस अगर दो पैरेलल वेक्टर है, दो पैरेलल वेक्टर है, पैरेलल सर क्या बोल रहे हो, मैं ऐसे ही बोलता था, मैं मजा आता था। दो अगर पैरेलल वेक्टर है, मतलब पैरेलल वेक्टर, कमेंट में जरूर लिखना, जिस जो यहां तक पहुंचाना वो मेरे ये वर्ड्स को जरूर लिखना, सर क्या मस्त बोला आपने पैरेलल वेक्टर। तो दो गाइस अगर मान लो पैरेलल वेक्टर है, मतलब पैरेलल वेक्टर है, और इनको हमें दोनों को ऐड करना है क्योंकि उसी का पार्ट है ना, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट दोनों का पार्ट है। अगर दो पैरेलल वेक्टर है, पैरेलल वेक्टर अगर आ गया तो दिमाग में ये रखना कि दोनों का डायरेक्शन भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। पैरेलल वेक्टर आया तो दिमाग में रखो कि दोनों वेक्टर का डायरेक्शन, दोनों का सेम ही डायरेक्शन मूव हो रहे हैं। ओके, बट दोनों कैसे है, पैरेलल। अब इन्हें हम ऐड किस तरह से करेंगे, चलो हम इनका नामकरण कर देते हैं। ये हमारे पी, ये हमारे क्यू, ये हमें आर, ये हमारे टी। ओके, और इसका इसका मैग्नीट्यूड है मान लो 10 और इसका मैग्नीट्यूड है 7। ओके, सो गाइस अब ये दोनों को ऐड करना है, दोनों वेक्टर को क्या कर रहे हैं, ऐड करना है। तो सिंपल सा है ना भाई, ऐसे ही ऐड करते हैं। ये देखो ऐड करके हम दिखा देते हैं, भी ऐड कर दिया। अब इसका जो नामकरण होगा, इसका स्टार्टिंग पी, ये पी, और दूसरे वाले का एंडिंग टी। अब दोनों को ऐड करो, 10 + 7, यहां करके दिखाता हूं मैं पीटी, क्योंकि मुझे बस मैग्नीट्यूड की बात करनी है ना, दोनों ये इसका टोटल मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा पीटी, इसलिए मैं इसको देखो जिसने मेरा फर्स्ट वीडियो देखा होगा उसको अपने आप समझ में आएगा सर ये क्या कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड और पीटी, क्योंकि ये मुझे टोटल इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है कि टोटल इसका लेंथ कितना हो गया पीटी। देन इसके बाद मैग्नीट्यूड ऑफ पीक्यू प्लस इसके साथ आर टी बार। अब गाइस पी क्यू कितना है, 10 + 7 कितना हो गया, 17 हो गया ना। देन पी टी बार कितना हो गया, 17 हो गया। सो ये हो गया टोटल 17। ओके, और गाइस देखो इसी तरह दोनों पैरेलल वेक्टर थे, मतलब समझ लो सेम डायरेक्शन, और इसका भी जब ड्रॉ करोगे ना तो इसका भी जैसा इसका डायरेक्शन, ये दोनों का डायरेक्शन होगा वैसे इसका भी डायरेक्शन होगा। बहुत सारे बच्चे ड्रॉ करते हुए पता नहीं उनको क्या रहता है, भूल जाते हैं इसका डायरेक्शन ही चेंज करते, नहीं यार दोनों का डायरेक्शन सेम है, जैसा ये दोनों का डायरेक्शन वैसे इसका भी डायरेक्शन रहेगा। एक और अगर वेक्टर ऐड कर दो, ऐड करना तो भी वैसे ही करेंगे, बस ये लेंथ बढ़ा दो और क्या करो प्लस कर दो, काम खत्म। बस इस तरह से हम क्या करते हैं, दो पैरेलल वेक्टर को ऐड करते हैं। अब आगे चलते हैं, अगर इफ टू वेक्टर्स ऑफ डिफरेंट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन गेट सब्ट्रैक्ट,
अगर दो ऐसे वेक्टर हैं जिसका जिसका मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, मैग्नीट्यूड तो हमने पहले भी देखा था कि मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, बट कहने का मतलब यहाँ दोनों एंटी पैरेलल है। क्या ये मैंने यहाँ लिखा नहीं, बट मैं बता देता हूँ, दोनों एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल मीन्स एंटी पैरेलल में अंटी पैरेलल अंटी, ये बहुत मस्ती करूँ मैं। ये हमारा एक ऐसा, दूसरा वाला एंटी पैरेलल मतलब दोनों का डायरेक्शन अलग अलग होगा। ओके सो गाइस नामकरण कर देते हैं इसका, पी क्यू आर टी। बच्चे इसके अंदर बहुत कंफ्यूज होते हैं, सर दोनों समझो एंटी पैरेलल है, मतलब पैरेलल है पर दोनों का जो डायरेक्शन है वो अपोजिट डायरेक्शन, एक इस साइड है दूसरा इस साइड है। तो सर रिजल्टेंट किस तरह से फाइंड करेंगे, रिजल्ट ये दोनों का रिजल्ट, क्योंकि दोनों का आप क्या करना, सब्ट्रैक्ट करना है। जब भी दोनों एंटी पैरेलल वेक्टर रहे तो उस समय हमें क्या करना पड़ता है, माइनस करना पड़ता है। दिमाग में रख लो, दो एंटी पैरेलल वेक्टर रहेंगे तो उस समय हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो अब क्वेश्चन ये कि सर इसके पहले तो आपने बताया था कि जो हम ड्रॉ करेंगे तो डायरेक्शन डायरेक्शन दोनों का जो डायरेक्शन होगा वो हम करके उसी डायरेक्शन में हम ड्रॉ करेंगे, बट सर इसमें तो एक का ऐसा है एक का ऐसा है तो हम डायरेक्शन किधर ड्रॉ करेंगे। तो गाइस सिंपल सा ना, जो सबसे बड़ा मैग्नीट्यूड आपको दिखाई दे रहा है उसी साइड डायरेक्शन बनाओ। तो मान लो चलो मैं बड़ा बना के बता दूं, ये हमारा समझ लो फिर से 10 और ये हमारा 5 है, जस्ट एग्जाम्पल ले रहा हूँ। इसका मैग्नीट्यूड 10 है और इसका मैग्नीट्यूड क्या है 5, और डायरेक्शन आपको दिख रहा है इसका इस साइड डायरेक्शन, इसका ये डायरेक्शन। तो जब रिजल्ट है मतलब ये दोनों का जो रिजल्ट बनाएंगे उसका डायरेक्शन कौन से साइड होगा, तो उसका रिजल्ट उसका डायरेक्शन जो सबसे बड़े वाले का वो उस साइड ही होगा। तो चलो ये हम बना देते हैं, ए आप बहुत सीधा कर रहे हैं। अब गाइस इसका नामकरण किस तरह से करेंगे, देखो इसका स्टार्टिंग नाम पी, इसका स्टार्टिंग ये पी, और ये देखो ये पी ध्यान दो इसका पी है और इसका क्या हो जाएगा टी। ओके इसका P और सॉरी सॉरी इसका क्या आ जाएगा R हो जाएगा, क्योंकि देखो इसका P है और इसका ये स्टार्टिंग P है इसका एंडिंग P है, तो इसका ये लेना पड़ेगा R, तो ये PR हो जाएगा, क्या हो जाएगा PR, ध्यान दो एकदम अच्छे से। ये देखो P, ये इसका एंड पॉइंट था और इसका स्टार्टिंग पॉइंट R था, इसलिए हमने PR ले लिया। अब गाइस दोनों को अगर माइनस करेंगे तो हमारा रिजल्टेंट कितना आएगा 5 आएगा, कितना आएगा 5, और इसका डायरेक्शन हमने कौन सा ड्रॉ किया, इसका डायरेक्शन हमने वही ड्रॉ किया हुआ है जो सबसे बड़े वाले का है। मैग्नीट्यूड इस तरह से ही लिखना है, देखो हमें मैग्नीट्यूड किसका फाइंड करना है, पी आर का, पी आर बार किसको किसको माइनस करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू बार माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ आर टी बार। तो पी क्यू कितना 10 माइनस 5 कितना आएगा 5, तो मैग्नीट्यूड ऑफ पी आर बार कितना हो जाएगा 5। ओके सो गाइस पूरा क्लियरली मैंने बता दिया, बस याद रखो पैरेलल जब भी हो तो उस समय हम ऐड करेंगे, एंटी पैरेलल जब दिया है तो हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब क्या करेंगे माइनस करेंगे। अब चलते हैं आगे। अब तो चलो अभी तक हमने क्या देखा है, अभी तक हमने ये चीजें देखी कि गाइज अगर दो पैरेलल वेक्टर है तो हम उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, अगर सेम डायरेक्शन में तो हम प्लस करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में तो हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे। बट टेंशन ये है कि अगर दो ऐसे वेक्टर हैं जो पैरेलल नहीं है, वो कहीं भी पड़े हुए हैं रैंडमली कहीं भी पड़े हुए, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, उनका रिजल्ट किस तरह से फाइंड करेंगे, उनका दोनों का कॉम्बिनेशन रिजल्टेंट किस तरह से फाइंड करेंगे। तो गाइस उसके लिए लॉ है, आज पहला लॉ पढ़ेंगे कल के दिन दूसरा लॉ पढ़ेंगे। तो उसके लिए क्या है गाइस, अब मान लो मैं बोल क्या रहा हूं, पहले मैं बताता हूं कि अभी तक हमने देखा कि दो पैरेलल वेक्टर थे, एक ऐसा वेक्टर था या तो एक ऐसा था और एक ऐसा था, दो पैरेलल या तो दो एंटी पैरेलल, तो मैंने बताया कि हम उसको किस तरह से प्लस करेंगे किस तरह से अट्रैक्ट करेंगे। बट यहां प्रॉब्लम क्या पता है, प्रॉब्लम यहाँ है कि यहाँ एक ऐसा वेक्टर है जो जो पैरेलल नहीं है, पैरेलल मतलब पैरेलल भी नहीं है एंटी पैरेलल भी नहीं है, तो हम उसको किस तरह से उसका रिजल्टेंट किस तरह से फाइंड करेंगे। तो मैं बताता हूं ना, टेंशन क्यों ले रहे हो। अब मान लो एक वेक्टर ऐसा है और दूसरा वेक्टर इधर है, अब ये दोनों पैरेलल तो है नहीं, अभी दोनों वेक्टर का अगर मान लो ये वेक्टर मेरा ए बार है और दूसरा वेक्टर बी बार है, जैसे अभी आपकी बुक में दिया हुआ है, तो ये दोनों का मुझे रिजल्ट फाइंड करना है, तो रिजल्ट मैं किस तरह से फाइंड करूंगा, चलो हम बता देते हैं एकदम सिंपल सा। इसीलिए तो ये लॉ यूज किया है, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन।
ओके अगर दो ऐसे वेक्टर हैं जो पैरेलल नहीं है वो रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में, अगर हमें उन दोनों का रिजल्ट फाइंड करना है तो हम यूज करेंगे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है सर ये क्यों किया, पहले वाले की तरह क्यों नहीं किया, क्योंकि ये दोनों का जो जो दोनों वेक्टर है ना भाई वो पैरेलल नहीं है या एंटी पैरेलल भी नहीं है, तो ना हम ऐड कर सकते हैं तो हम उनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो चलो काम खत्म करते हैं। सो गाइस ये हो गया हमारा, नाम दे देते पी क्यू, ये हमारा एक वेक्टर है जिसको हमने एक सिंगल कैपिटल लेटर से भी नाम दे दिया जिसका ए है, लाइन सेगमेंट पी क्यू और एक सिंगल कैपिटल लेटर से मैंने दे दिया। दूसरा वाला एक वेक्टर था, इधर मैं पहले ऐसे अलग बना देता हूँ, जिसका नाम था एस, जो आपके बुक में दिया हुआ एस आर, और इसको सिंगल कैपिटल लेटर से मैंने नाम दे दिया पी बार। ओके अब गाइस क्या करूंगा, ये मैं दोनों को आगे सरका के लाऊंगा, इसका जो हेड होगा और इसका जो हेड होगा और इसका जो टेल होगा दोनों को अटैच करेंगे। ये अटैच कर दिया मैंने, मतलब कहने का मतलब इस तरह से ड्रॉ करेंगे, यहां से उठा के नहीं ला रहा हूं मैं, बता रहा हूं इस तरह से एक ट्रायंगल बन जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा आर और ये हो जाएगा हमारा एस, और ये इसको सिंगल कैपिटल लेटर से जो डिनोट किया वो हो गया हमारा पी बार। अब क्या करेंगे गाइस, इसका वाला स्टार्टिंग पॉइंट और सेकेंड वैक्टर का एंडिंग पॉइंट, इसका स्टार्टिंग पॉइंट और इसका एंडिंग पॉइंट दोनों को हम जोड़ देंगे। ओके अब जैसे ही हमने जोड़ दिया तो ये जो हमें मिला वही हमारा रिजल्टन है। हमारा क्या है रिजल्टन, ये दोनों का रिजल्टन। देखो एक ट्रायंगल बन गया ना, ट्रायंगल बन गया कि नहीं, तो जो ट्रायंगल के दो साइड है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। देखो ट्रायंगल के दो साइड है, ये पहला साइड और ये दूसरा साइड, दोनों क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रिप्रेजेंटेड है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। और जो थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रिजल्टन। रिजल्टन में भी क्या रिप्रेजेंट करेगा, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, पर ये दोनों का रिजल्ट, ये दोनों का कॉम्बिनेशन, ये हमें रिप्रेजेंट करेगा कौन, थर्ड साइड ऑफ अ ट्रायंगल। इसीलिए तो इसको बोला जाता है ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। अगर दो ऐसे दो या दो से ज्यादा, दो अगर, क्योंकि अभी हम यहाँ दो ऐड कर रहे हैं, हाँ सॉरी दो से ज्यादा रहेगा तो हमें क्या करना है वो सभी चीजें मैं बताऊंगा। मान लो हमारे पास दो ऐसे वेक्टर हैं जो पैरेलल नहीं है, दो पैरेलल नहीं है, तो हम उनको किस तरह से ऐड करके रिजल्ट निकालेंगे, तो गाइस ट्रायंगल लॉ यूज करके हम दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे और उस तरह से उनका रिजल्ट निकालेंगे। तो चलो गाइस अब मैं एक चीजें बताता हूँ। ध्यान से देखो, एक एक चीजों को ध्यान देना। हाँ बस एक बात याद रखना कि ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से हम दो या दो जो वेक्टर्स होते हैं दो वेक्टर को ऐड कर सकते हैं, क्योंकि देखो ट्रायंगल में तीन ही साइड होता है ना, तो हमेशा ये दिमाग में रखना। सो गाइस दो वेक्टर जो होंगे वो दोनों वेक्टर सेम फिजिकल क्वांटिटी के होने चाहिए, मतलब अगर ये फोर्स है तो दूसरा वाला भी फोर्स ही होना चाहिए, तो रिजल्ट सही आएगा, तो ही रिजल्ट आएगा, तो ही हम ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन यूज कर सकते हैं। तो दोनों की फिजिकल क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी को हम ट्रायंगल लॉ से ऐड नहीं कर सकते। सो गाइस देखो इफ टू वेक्टर्स डिस्क्राइबिंग द सेम फिजिकल क्वांटिटी, क्या डिस्क्राइब कर रहा है, ये भी सेम फिजिकल क्वांटिटी, ये भी सेम फिजिकल क्वांटिटी है, आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल। ये ट्रायंगल का दो दो साइड है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, और रिजल्ट कौन डिस्क्राइब करेगा, एंड देयर रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड इन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय थर्ड साइड ऑफ अ ट्रायंगल, थर्ड साइड ऑफ अ ट्रायंगल, एंड रिजल्टेंट कौन डिस्क्राइब कर रहा है, थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल, और वो भी क्या रिप्रेजेंट करेगा, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अब एक चीज बस याद रखो, ये वाला थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल ड्रॉन इन द अपोजिट सेंस, अपोजिट सेंस मतलब क्या, इसका वाला देखो ये स्टार्टिंग पॉइंट था इसके साथ कनेक्ट किया, और ये रिजल्टेंट का जो एंडिंग पॉइंट था देखो ये इसके हेड के साथ अटैच था, और दूसरा वाला जो दूसरा वाला वेक्टर था उसके टेल के साथ अटैच था, इसलिए इसको अपोजिट सेंस बोलते। ये जो रिजल्टेंट के लिए हमने लाइन ड्रॉ किया, फर्स्ट वाले वेक्टर का क्या था, ये स्टार्टिंग पॉइंट, ओके, और ये हेड था, और इस सेकेंड वाले वेक्टर का क्या था, टेल था। तो इस तरह हमने क्या किया, उसको ज्वाइन किया, इसलिए लिखा हुआ है थर्ड साइड ऑफ अ ट्रायंगल ड्रॉन इन द अपोजिट सेंस, मतलब फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द फर्स्ट वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट टू द एंड पॉइंट ऑफ द सेकेंड वेक्टर, ये सेकेंड वेक्टर का एंड पॉइंट। इस तरह से हम बना देते हैं ट्रायंगल और उनको हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। समझ में आ गया गाइस, मेरे ख्याल से क्लियरली समझ में आ गया होगा, जो दो वेक्टर्स हैं टू वेक्टर्स हैं वो क्या करते हो, अगर दो वेक्टर्स को हमें ऐड करना है तो हम किस तरह से ऐड करेंगे,
ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन का यूज करके, ट्रायंगल के अंदर जो दो 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 वेक्टर होंगे वो क्या, दो सॉरी ट्रायंगल के जो दो साइड होंगे वो क्या रिप्रेजेंट करेंगे, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, और जो ट्रायंगल का जो थर्ड साइड होगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, रिजल्टेंट, किसका रिजल्टेंट, वो दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट। तो गाइस क्लियरली समझ में आएगा, इस तरह से हम ट्रायंगल लॉ यूज करते हैं वेक्टर एडिशन के लिए। अब चलते आगे, कम्यूटेटिव लॉ एंड एसोसिएटिव लॉ। गाइज बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि सर इसको किस तरह से प्लस करना है, तो गाइज इसमें भी सेम वैसा ही। मान लो अब ट्रायंगल लॉ का ही पार्ट है ना ये, तो ये मान लो इसके अंदर ये पहला एक ट्रायंगल ये है, ये दिख रहा है आपको, एक ट्रायंगल ये बन गया और एक ट्रायंगल ये बन गया ये। तो अब कम्यूटेटिव लॉ मतलब क्या होता है, देखो फॉर एनी टू वैक्टर पी बार एंड क्यू बार, दो वैक्टर हमने लिया पी बार एंड क्यू बार, हमें इसके अंदर दो ट्रायंगल दिख रहा है, पहला ट्रायंगल है दूसरा ट्रायंगल। अब इसको ऐड किस तरह से, कैसे मतलब कम्यूटेटिव लॉ किस तरह से प्रूफ करेंगे आप, पहला वाले ट्रायंगल में अगर मैं देखता हूं इन ट्रायंगल ओ बी ए, ओ बी ए इन ट्रायंगल ओ बी ए, इसके अंदर ध्यान दो अच्छे से एकदम फोकस लगा के। अब देखो एक साइड है क्यू बार प्लस पी बार, जब हम ये दोनों को प्लस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा, रिजल्टेंट मिला, ये देखो पी बार क्यू, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन के थ्रू ना, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन में यही था, पी बार दो साइड को हम प्लस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा, क्या मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा, हो गया। अब इसके बाद इसको दे देते हैं हम फर्स्ट इक्वेशन, देन इसके बाद सेकेंड वाले ट्रायंगल इन ट्रायंगल ओ सी बी, ओ सी बी इसके अंदर भी सेम गाइस, देखो पी बार प्लस क्यू बार, पी बार प्लस क्यू बार, दोनों को अगर हम प्लस करेंगे तो हमें मिलेगा रिजल्ट, क्या मिलेगा, रिजल्ट। सो गाइस अगर इसको दे दो इक्वेशन नंबर सेकंड छोटा नहीं होगा, अगर देखो अब ध्यान से देखो क्यू प्लस पी बार इक्वल टू आर है, यहां पी बार प्लस क्यू बार इक्वल टू आर है, अगर ये दोनों सेम है, देखो आर बार, ये भी आर बार की वैल्यू है, ये भी आर बार की वैल्यू, अगर राइट हैंड साइड सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड भी अपने आप सेम हो जाता है ना, तो इसलिए हम फाइनल रिजल्ट इस तरह से लिख सकते हैं क्यू बार, देखो आर बार दोनों साइड का राइट हैंड साइड सेम है, दोनों साइड अगर सेम है तो इस साइड का अगर राइट हैंड साइड सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड भी सेम हो जाता है, तो इसलिए ऐसा हम लिख सकते हैं फ्रॉम वन एंड टू क्यू बार प्लस पी बार किसके इक्वल हो जाएगा, मैंने बोला ये दोनों सेम है तो ये दोनों भी सेम हो जाएगा, क्यू बार प्लस पी बार इक्वल टू पी बार प्लस क्यू बार, और इसी को बोलते हैं हम कम्यूटेटिव लॉ। ओके कम्यूटेटिव लॉ मतलब यही होता है भाई, देखो 3 + 2 = 2 + 3 यही होता है डायरेक्ट ही, या तो क्यू प्लस पी करो तो भी आंसर यही वही आएगा, या पी प्लस क्यू करो तो भी आंसर यही आएगा, बट इसको दूसरे टर्म्स ऑफ फिजिक्स में हम क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव लॉ। सर ये तो हमें भी पता था बट भाई लॉ है तो इसलिए मैंने बताया, और इस लॉ का नाम क्या, कम्यूटेटिव लॉ। अब आगे चलते गाइस दूसरा लॉ को हम प्रूफ करते हैं, सेकंड वाला, और ये हमारा लास्ट टॉपिक है इसमें का, वो हमारा क्या है, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में गाइस बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, कंफ्यूज होने जैसा नहीं, मैं जैसे जो चीजें बताऊंगा उसको ध्यान दो, ये समझ लो ये हमारा पहला ट्रायंगल है, ओके ये पूरा ध्यान दे लेना अच्छे से, और इसके अंदर ये कलर मैं चेंज कर देता हूं, और ये वाला हमारा एक दूसरा ट्रायंगल है, और दोनों का रिजल्ट सेम है, ये देखो अब ध्यान से देख लो, ये हमारा सेकंड ट्रायंगल है, ये पूरा जो मैंने बनाया है मार्क, तो मैं पहले ट्रायंगल की बात करता हूँ, ध्यान दो ये वाले ट्रायंगल की मैं बात कर रहा हूँ, ये वाला ट्रायंगल तो ये वाला ट्रायंगल किससे बना है, ये देखो ये वाले ट्रायंगल पे अगर हम ध्यान देते हैं तो ए बार प्लस बी बार ऐसा लिखा हुआ, यहां मैं लिखता हूं ए बार प्लस बी बार, इसको मैं अब हटा देता हूं क्योंकि मेरा काम हो चुका है, ए बार इसको भी थोड़ा क्लीन कर देता हूं, ये देखो ये इस पे ध्यान देना, ये वाले पहले वाले ट्रायंगल पे, तो पहले वाले ट्रायंगल के जो पहला लाइन है, ये पहला जो वेक्टर दिया हुआ ए बार प्लस बी बार लिखा हुआ है, ओके और इसी के साथ इसमें जो दूसरा वेक्टर था वो क्या था, प्लस सी बार, और ये दोनों का रिजल्ट, ये देखो
एक वेक्टर ये है, ये वेक्टर है ये, और ये दोनों का ये रिजल्टन है, तो इसलिए इसको इक्वल में लिखेंगे। इक्वल हमारा आ जाएगा आर बार, ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। हम ये एसोसिएटिविटी लॉ क्या कर रहे हैं, प्रूफ कर रहे हैं। देन ये हमारा पहला वाला काम हो गया, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, इसको क्लियर कर देता हूँ, फिर मैं दूसरा बताऊंगा तो तुम्हें समझेगा। अब गाइस सेकंड, ये वाला ए इधर वाला, ध्यान दो अच्छे से, अच्छे से ध्यान दो। देखो ये वाला पहला लाइन क्या है, देखो बी बार प्लस सी बार, बी बार प्लस सी बार, बी बार प्लस सी बार, और इसके साथ ही कौन ऐड, किसको ऐड करना है, प्लस ए बार को, प्लस ए बार को ऐड करना है। ये देखो ये वाला है ना, एक साइड ये है और एक साइड ये है, और इसका रिजल्टेंट सेम ही है, इक्वल टू आर बार, इक्वल टू आर बार, बी बार प्लस सी बार प्लस ए बार इक्वल टू आर बार। सो गाइस अब वही सेम चीज, और ये भी आर बार है, ये भी आर बार, अगर ये दोनों इक्वल है तो ऑलरेडी ये दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अगर ये फर्स्ट और सेकंड ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों अपने आप इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार इक्वल बी बार प्लस सी बार ब्रैकेट प्लस ए बार। ओके, अगर राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड अपने आप इक्वल हो जाएगा, अगर ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों भी अपने आप इक्वल हो जाएंगे, तो ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार, और बी बार प्लस सी बार प्लस ए बार, कहने का मतलब देखो सब प्लस है, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों का जो हम प्लस करेंगे वही आंसर इस साइड भी आएगा, तो बस बी बार प्लस सी बार प्लस बी बार प्लस सी बार प्लस सी, अगर चाहिए तो करके देख लो, जो रिजल्ट यही आएगा वो भी रिजल्ट इधर, पर हमें क्या प्रूफ करके देना था ना, हमें प्रूफ करके दे एसोसिएटिव लॉ प्रूफ करके देना था, तो मैंने दोनों चीजें दे दी। आज जैसे मैंने बताया कि लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर ये देखने वाले, गाइस मैं आपको यही बोलूंगा, इसके पहले वाला जो वीडियो मैंने ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आपको सिखाया, सबसे पहले वो जाके देखो, तो ये बहुत अच्छे समझ में आएगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है। सो गाइस चलो मैं बताता हूँ, इसके पहले हमने क्या देखा था ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन के अंदर, हमने ये देखा था कि दो जो वेक्टर हैं, पहले वाले वेक्टर का हेड एंड दूसरे वाले वेक्टर का, पहले वाले वेक्टर का हेड एंड दूसरे वाले वेक्टर का टेल, ये दोनों एक दूसरे से अटैच था, उसी तरह जो रिजल्टेंट मिला था, रिजल्टेंट भी अपोजिट सेंस में था, अपोजिट सेंस मतलब पहले वाले वेक्टर के हेड के साथ अटैच था एंड दूसरे वाले वेक्टर के टेल के साथ अटैच था, इस तरह से हमारा बना था ट्रायंगल लॉ। पर गाइस पैरेललोग्राम लॉ में क्या है, पैरेललोग्राम लॉ में हमें यह दिखाई देगा कि पहले वाले वेक्टर का टेल एंड दूसरे वाले वेक्टर का भी टेल, ओके पहले वाले वेक्टर का टेल एंड दूसरे वाले वेक्टर का भी टेल, दोनों मिलके देखो ये दोनों मिला, और हमारा जो रिजल्टन होगा, रिजल्टन भी इसी सेम पोजीशन से निकलेगा, मतलब तीनों वेक्टर एक ही सेम पोजीशन से बाहर निकल रहा है। अब हमें इसके थ्रू मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन फाइंड करना है, इसीलिए हम इसको थोड़ा कंस्ट्रक्ट कर देंगे, इसको थोड़ा एक्सटेंड करेंगे, एक्सटेंड जैसे ही हमने किया तो ये पैरेललोग्राम बन गया, क्या बन गया, पैरेलल बन गया, और इसको और हम एक्सटेंड करेंगे क्योंकि हमें इसके थ्रू डायरेक्शन भी फाइंड करना है, तो इसलिए हम इसको अपने यूज के लिए हम इसको थोड़ा एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्ट करेंगे। बट हमें समझना क्या है गाइस, हमें इसमें समझना है कि हमारा दोनों वेक्टर और हमारा रिजल्टन इसमें देखेंगे तो सेम पॉइंट से ही निकल रहा है, सेम पॉइंट से निकल रहा है गाइस, और कुछ चीजें हम कंस्ट्रक्ट करेंगे, इसको हम ज्वाइन करेंगे एक्सटेंड करके, इसको ज्वाइन करेंगे एक्सटेंड करके, फिर हम और कंस्ट्रक्ट करेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे और इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, तो इस तरह से हमारे ये डायग्राम ड्रॉ हो जाएगा। ओके, ये आपके बुक में ऑलरेडी दिया हुआ है। अब इसके बाद बात करते हैं इसके डेफिनेशन की, डेफिनेशन क्या है, सेम टू सेम, अगर हम यहां देखते हैं, इफ टू वैक्टर्स ऑफ सेम टाइप, दो वैक्टर सेम टाइप के हैं, हमने पहले ही बताया था कि अगर हमें लॉ यूज करना है तो दोनों वेक्टर के टाइप कैसे होने चाहिए, सेम होना चाहिए, मतलब दोनों फोर्स ही होना चाहिए, या तो दोनों वेलोसिटी ही होना चाहिए, या तो दोनों एक्सलरेशन ही होना चाहिए। कहने का मतलब क्या, ऐसे जितने भी किसी को भी अगर हम इस लॉ के थ्रू ऐड कर रहे हैं तो दोनों कैसा होना चाहिए, दोनों सेम टाइप के फिजिकल क्वांटिटीज होने चाहिए, ये दिमाग में रख लेना, पूरी तरह से फिक्स कर लेना। सो इफ टू वैक्टर ऑफ द सेम टाइप, ये दोनों वैक्टर सेम टाइप के हैं, आगे ऑरिजिनेटिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट, ये दोनों सेम पॉइंट पे से निकल रहे हैं, मतलब ये भी इसके टेल पे से अटैच है, ये भी इसके टेल पे से भी अटैच है। अब ये दोनों वेक्टर क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ध्यान दो, आर रिप्रेजेंटेड इन अ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, डायरेक्शन बाय एडजेसेंट एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, एक तरह से हम देखेंगे तो ये एक पैरेललोग्राम बन गया है। ओके, और ये दो साइड, ये दो एडजेसेंट साइड एक दूसरे के आजू बाजू वाला साइड, दो एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, और ये हमारा क्या है, डायगोनल है,
किसका डायकोनल है, किसका डायकोनल है, ये जो हमने पैरेलोग्राम कंस्ट्रक्ट करके बनाया हुआ है, तो ये जो डायकोनल है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, रिजल्टेंट ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ये दोनों का रिजल्ट यहां हमें पता चलेगा इस डायकोनल के थ्रू। ओके, तो आप देख लो आगे, टू एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेलोग्राम, ये दोनों देयर रिजल्टेंट वेक्टर इज गिवन इन अ, उसका रिजल्टेंट वेक्टर क्या देगा हमें, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द डायकोनल ऑफ पैरेलोग्राम। ओके, ये देखो ये हमारा हो गया पूरा पैरेलोग्राम और इसका ये डायकोनल हो गया, और ये डायकोनल हमें क्या देगा, हमें डायकोनल देगा मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, बट क्या, ये दोनों का रिजल्ट, मतलब रिजल्टेंट ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। सो गाइज ये हमारा डेफिनेशन, सिंपल सा डेफिनेशन। ओके, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ये कौन दे रहा है, एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेलोग्राम, रिजल्टेंट कौन दे रहा है, डायकोनल, डायकोनल किसका, डायकोनल पैरेलोग्राम का। तो गाइस ये एकदम सिंपल सा डेफिनेशन है, एक 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 पॉइंट्स मैंने इसके अंदर समझा दिया, आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं गाइस वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी के अंदर, वेक्टर क्वांटिटी के अंदर हमें मैग्नीट्यूड भी चाहिए रहता है और डायरेक्शन भी चाहिए रहता है, तो इससे रिलेटेड हम क्या करने वाले, छोटू सा डेरिवेशन सॉल्व करने वाले। तो चलो हम करते हैं, थोड़ा मैं इसको छोटा कर दूं, इसको यहां कर दूं और इसको इरेज कर दूं, और इसको भी हम छोटा कर दे थोड़ा। चलो भाई हो जा छोटा, ये छोटा नहीं हो गया, ये हो गया, ये जरूरी है इसलिए हम इसको लगा देते हैं। ओके, सो गाइस सबसे पहले हम मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं, तो हमें देखो इसके अंदर ध्यान दो, इसके अंदर पूरा फोकस लगा के रखो, इसके अंदर दो ट्राइंगल है, अब ये दो ट्राइंगल पे हमारा फोकस रहेगा, पहला ट्राइंगल ओ डी ओ सॉरी सी सी सी, सी है। ओके, एक ट्रायंगल ये है, ओके, और इसके साथ ही ऐसा बना भी हुआ है, तो मैं ऐसा बना देता हूं कंस्ट्रक्शन, तो पर हम ये कंप्लीट ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, तो ये कंप्लीट ट्रायंगल, पहला ट्रायंगल हमारे लिए क्या है, सी ओ डी, तो हम पहले इसकी बात कर लेते हैं, तो हम इसकी बात स्टार्ट करते हैं, हम कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, ये लेते हैं, इन ट्राइंगल सी ओ डी, इन ट्राइंगल सी ओ डी। ओके गाइस अब ध्यान दो, ये देखो एकदम अच्छे से, ये 90 एंगल है, ये 90 एंगल, क्योंकि मैंने बोला ना ये परपेंडिकुलर है इसके ऊपर, अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये एंगल कितना बन जाएगा 90 का, और 90 के सामने वाला क्या होता है हमारा, हमारा क्या होता है, हाइपोटेनस होता है ना, 90 के सामने वाला हाइपोटेनस होता है, तो इसके पूरे अंदर हम क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, वन साइड स्क्वायर प्लस अनदर साइड स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा हमारा, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस हमारा ये हो गया है, तो हम लिखेंगे ओ सी स्क्वायर, ये हमने बहुत पहले पढ़ा था, ये हमारा हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू वन साइड स्क्वायर प्लस अनदर साइड स्क्वायर, तो वन साइड क्या हमारा ओडी, ये पूरा कंप्लीट ले लो, ओडी ओडी स्क्वायर प्लस अनदर साइड क्या है, सी डी स्क्वायर। ओके, सो गाइज ये हो गया, अब इसको मैं रफ कर देता हूं। ओके, अब गाइस एकदम अच्छे से ध्यान दो, अब जब मैंने ये किया इसके अंदर, चलो मैं फिर से आपको बना के दिखाऊंगा, ये हमने जब ड्रॉ किया है तो इसके अंदर आपको दिख रहा है, यहाँ ए भी दिख रहा है, डी भी दिख रहा है, ओ भी दिख रहा है, तो ओडी को, ये ओडी को मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, ओडी को ओए प्लस एडी, ये देखो ये पूरे ओडी को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ओए प्लस एडी लिख सकता हूं, तो लिख दिया मैंने स्क्वायर प्लस सीडी का स्क्वायर। अब गाइस अगर हम जैसे यहां देखेंगे तो ये फॉर्मूला बन गया, किसका फॉर्मूला बन गया, ये देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या आता है, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला बनता है। ओके, जिसको याद नहीं हुआ याद कर ले फॉर्मूला, ये हमारे लिए ए हो जाएगा, ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, बी, ये ए ये बी, तो करेंगे ए स्क्वायर मतलब ओ ए स्क्वायर प्लस, ध्यान दो अच्छे से आगे क्या है, टू अगेन ए मेरे लिए क्या है, ओ ए, बी बी मेरे लिए क्या है, एडी, यहां ध्यान दो ना, टू ए बी, देन बी मेरे लिए क्या है, एडी, ये मेरे लिए ए है, ये मेरे लिए क्या बी, देन इसके बाद गाइस आगे बी प्लस लगा, फिर बी स्क्वायर, बी मेरे लिए क्या था, एडी, तो एडी का स्क्वायर, यहां तक मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होगा, इसको मैं इरेज कर देता हूं, देन एडी का स्क्वायर, ये हम तो हमने इसको एक्सपांड कर दिया, देखो इसको एक्सपांड इस फॉर्मूले के थ्रू कर दिया, अब करेंगे हम प्लस प्लस आगे
सी डी का स्क्वायर। ओके सो गाइज मेरे ख्याल से एकदम क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छी तरीके से, और ये मैंने यहां बता दिया आपको। सबसे पहले हमने ये पूरा कंप्लीट ट्रायंगल लिया और कंप्लीट ट्रायंगल के अंदर हमने पाइथागोरस थ्योरम यूज किया। अब गाइज हम क्या करेंगे, एकदम अच्छे से ध्यान दो, इसको दे देता हूं मैं इक्वेशन नंबर वन, इसको इक्वेशन नंबर वन। अब मैं दूसरा एक और ट्रायंगल लूंगा इन ट्रायंगल, और क्यों ले रहा हूं वो समझ में आ जाएगा। अब देखो इसके अंदर ये वाला ट्रायंगल लूंगा, बस इतना सी ए डी, बस इतना, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला सी ए डी, ये ट्रायंगल लिया क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है तो सामने वाला क्या हो जाएगा, सामने वाला हमारा हाइपोटेनस हो जाएगा। तो इसके अंदर भी हम क्या यूज कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल सी ए डी, इन ट्रायंगल सी ए डी बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम में ये हमारा हाइपोटेनस हो जाएगा, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं हाइपोटेनस में एसी एसी स्क्वायर, एसी स्क्वायर ये हाइपोटेनस हो गया, इक्वल एडी एडी स्क्वायर प्लस सीडी स्क्वायर। ओके अब ध्यान से देखो सेकंड, ये देखो एडी स्क्वायर प्लस सीडी स्क्वायर, कहीं आपको दिख रहा है क्या, कहीं दिख रहा है, दिख रहा है एडी स्क्वायर प्लस सीडी स्क्वायर, ये देखो यहां दिख रहा है ना AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, तो AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर की जगह हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं AC स्क्वायर, इसलिए हम लिखेंगे पुट सेकेंड इन फर्स्ट, सेकेंड को फर्स्ट में हम पुट करेंगे। चलो पुट करते हैं, चलो पुट करते हैं एकदम प्यारा सा। अब गाइस जैसे ही हम सेकेंड को फर्स्ट में पुट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये OC स्क्वायर इक्वल OA स्क्वायर प्लस टू OA AD प्लस, अब AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर की जगह पे क्या, AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर की जगह क्या जाएगा AC स्क्वायर आ जाएगा, AC स्क्वायर। ओके मेरे ख्याल से डाउट गाइस कुछ भी नहीं होगा, एकदम क्लियरली समझ में आ रहा होगा। अब एक एक करके अब सबका ओरिजिनल नाम लिखेंगे, हियर OC, देखो OC OC इसको थोड़ा हम बड़ा कर देते हैं, इसको हम थोड़ा बड़ा करेंगे कि आपको समझे। अब देखो OC, OC हमारा क्या है R हियर, अब वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं हम लोग OC बार इक्वल टू R बार। देखो ये OC क्या है, हमारा रिजल्ट है ना, उसका एक्चुअल सबका नाम लिखते जा रहे हैं OA 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 कहाँ है OA, ये क्या हमारा P बार। ओके देन इसका ओए मिल गया, एडी एडी कहाँ है, एडी दिख रहा है क्या, ये देखो एडी एडी हमें क्या करना है फाइंड करना है, एडी हमें फाइंड करना है, एडी हमें मिला नहीं इसलिए एडी को हम अभी ऐसे ही रखते हैं, एडी हमें तो फाइंड करना है। एसी देखो एसी बार दिखा, ये देखो एसी बार, तो जो ये होगा आप पैरेललोग्राम लॉ पढ़ रहे हो ना, तो ये अगर ये क्यू बार है तो ये एसी भी क्या हो जाएगा क्यू बार हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा क्यू बार हो जाएगा। सो गाइस देखो हमने सब निकाल लिया, OC भी निकाल लिया, OA भी निकाल लिया, OA भी निकाल, OA क्या था हमारा P, P बार, बस हमें AD अभी तक नहीं मिला, AD कैसे फाइंड करेंगे, AD भी हमें चाहिए, AD मिलेगा तो ही हम इसकी वैल्यू सब बाकी सबकी वैल्यू पुट कर चुक रहे हैं, पर हमें AD नहीं मिला, इस AD की वैल्यू नहीं पता, AD की वैल्यू क्या है, तो AD की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, पता है एकदम सिंपल सा, थोड़ा इसको हम छोटा कर देते हैं, छोटा करते हैं हम, इधर कहां जा रहे हो भाई। अब हम इसको इरेज कर देते हैं, थोड़ा हमें किसकी वैल्यू फाइंड करना है, हमें सबकी मिल गई, ओसी का एक्चुअल नेम मिल गया, ओए का मिल गया, ओए का मिल गया, एसी का मिल गया, पर एडी का नहीं मिला है, तो अब हम करेंगे यहां काम भारी वाला। सो गाइस आप एकदम सिंपल सा, हमें देखो ये एडी फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है एडी फाइंड करना है, एडी कैसे फाइंड करेंगे, मैं यहां एक एंगल ये ट्राइंगल बना देता हूं जिससे मुझे फाइंड करना है, ये देखो ए डी अंसी, और ये जो हमारा एंगल है वो है हमारा थीटा, एंगल क्या है हमारा थीटा। अब ध्यान दो एकदम अच्छी तरह से, पूरी तरह से ध्यान दो, ये हमारा एंगल क्या हो गया थीटा हो गया। अब हमें कॉस थीटा, कॉस थीटा, कॉस थीटा का क्या होता है, कॉस थीटा का होता है एज ऐसे लिखते हो ओ आ ओ ए ओ आ ह, मतलब एडजसन अपॉन हाइपोटेनस, एडजसन अपॉन हाइपोटेनस, ओ आ ओ ए
ये गाइस ये चाहिए ना, ये बहुत पुरानी चीज है, आपको चाहिए तो हम बता देंगे। तो ये एडजेशन अपॉन हाइपोटेनस, ये जो थीटा के नीचे वाला रहता है ये हमारा एडजेशन होता है, और ये होता है हमारा हाइपोटेनस। तो एडजेशन क्या हो गया हमारे लिए, एडी हो गया, एंड हाइपोटेनस हो गया हमारा एसी हो गया। ओके, अब एडी ध्यान से देखो, अब हमें क्या फाइंड करना है, एडी फाइंड करना था ना, क्या फाइंड करना था, एडी फाइंड करना था। एसी कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, एसी यहां डिवाइड में था, इक्वल की साइड है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एडी इक्वल टू एसी कॉस थीटा। ओके गाइस, बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि ओ आ ओए, ये हमने बनाया है, हमने हमने नहीं बनाया है, ये बहुत पहले से है। चाहिए तो आप खुद मैच्योर हो, जाके चीजें चेक कर लो, समझ में आ जाएगा। ओके, सो बहुत तरीके से उल्लू बना रहे हैं, बनो उनो मत, आपको समझेगा खुद, आप मैच्योर हो, खुद जा से चेक करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सो गाइस, इस तरह से हमने एडी फाइंड कर लिया, हमारे पास सब कुछ हो गया, हम सबकी वैल्यू यहाँ फुट कर देते हैं। ओसी, ओसी हमारे लिए क्या था, देखो आर आर स्क्वायर लगा दिया हमने, देन इसके ओए, ओए क्या था हमारे लिए, ओए देखो ओए कहा है, पी, तो पी लगा दिया, पी स्क्वायर। ओनली मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिख रहा हूं इसलिए मैं बार नहीं लिख रहा हूं, याद रखो ओनली पहले मैग्नीट्यूड फाइंड कर रहा हूं इसलिए मैंने उसके ऊपर बार नहीं दिया, नहीं तो बहुत सारे बच्चों के मन में क्वेश्चन आएगा, सर आपने बार क्यों नहीं लिखा है, सर बार क्यों नहीं लिखा है। तो ओए मिल गया, देन देन स्क्वायर कर दिया, देन इसके बाद गाइस फिर प्लस टू, ओए ओए दिख रहा है, पी आ गया, देन एडी, ओए के बाद एडी है ना, देखो ओ एक एक करके लिख रहा हूं मैं यहाँ, देखो ध्यान से मेरी बॉडी दिख रही है, दिख रही है, अच्छा दिख रही है। अब इसके बाद क्या, एडी, एडी का देखो यहाँ, यहाँ हमने फाइंड किया ना एडी, एडी क्या है हमारे लिए, ये देखो एडी एसी कॉस थीटा, एसी एसी कॉस थीटा। ओके, एसी कॉस थीटा, देन प्लस इसके बाद क्या, इसका एसी स्क्वायर है, एसी स्क्वायर, एसी क्या था देखो, क्यू स्क्वायर। अब गाइज इसको और हम चेंज कर सकते हैं, पी स्क्वायर प्लस टू पी। अब देखो एसी, एसी अभी हमें पता चला है, एसी एसी की वैल्यू क्या होती है, क्यू होती है, तो ये हो जाएगा क्यू कॉस थीटा। यहां भी देख सकते हो एसी की वैल्यू, ये क्यू है तो ये भी क्या हो, क्यू हो जाएगा प्लस, ये तो क्यू स्क्वायर हमने लिखा ही है। अब गाइज क्या होगा पता है, ये स्क्वायर इक्वल के साइड जाएगा तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। थोड़ा हम छोटा कर देते हैं, थोड़ा हम इसको छोटा कर देते हैं, तो ये अगर स्क्वायर इक्वल की साइड आएगा तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, स्क्वायर रूट में, ये हो गया स्क्वायर रूट में कन्वर्ट, ये हो गया पी स्क्वायर, इसको साथ में लिख देता हूँ क्यू स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू कॉस थीटा। ओके, सो गाइज ये हो गया, इसके थ्रू हम रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं, क्या फाइंड कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं। देखो ये फॉर्मूला आ गया, और ये फॉर्मूला हमने किसके थ्रू फाइंड किया, लॉ ऑफ पैरेलल वेक्टर के थ्रू फाइंड किया, ये याद कर लो, स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू कॉस थीटा। ओके, सो गाइस ये क्लियर हो गया। अब हमें एंगल फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, एंगल फाइंड करना है, हमें इसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। ओके, अब हमें एंगल फाइंड करना है, ये तो हमने मैग्नीट्यूड फाइंड कर लिया, क्योंकि वैक्टर के अंदर दो चीजें होती है, वैक्टर के अंदर मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है, तो हमने मैग्नीट्यूड तो फाइंड कर लिया, हमें डायरेक्शन फाइंड करना है, तो डायरेक्शन चलो फाइंड कर लेते हैं। डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हम लेंगे टेन थीटा, टेन थीटा इक्वल, ओके टेन थीटा इक्वल। अब टेन थीटा ध्यान दो, ये पूरा क्योंकि मुझे वेक्टर का ये वेक्टर का हमें, ये वाले वेक्टर का हमें क्या फाइंड करना है, हमें वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है ना, वो जो रिजल्ट आ रहा है उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो यहां दिख रहा है कि जो हमने ये वाला ट्राइंगल यूज किया, पूरा कंप्लीट ट्राइंगल, कौन सा, ओ डी सी, ध्यान रखो ओ डी सी पूरा कंप्लीट, यहाँ ऐसे बना हुआ है ए, इसका हमने ले लिया अल्फा। ओके, इसका जो ये, तो इसलिए यहाँ अल्फा लिख देता हूँ, यहाँ थीटा नहीं है, क्या ले लेंगे, अल्फा ले लेंगे, टेन अल्फा। अब गाइस टेन का याद करो क्या होता है, ओ आ ओ ए, ओ ए, ओ ए, ये होता है हमारा टेन, टेन थीटा का ओ ए, ओ ए, ए, ओ ए मतलब अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो ये हो गया, एंगल के सामने वाला जो होता है वो अपोजिट होता है, तो अपोजिट क्या होगा, सी डी। ओके, और फिर एडजेसेंट क्या है, ये एडजेसेंट ये है पूरा, मतलब इसमें दो चीजें है ना, देखो दो चीजें ओ ए और ए डी, तो ये पूरा लिख देता हूं डायरेक्ट, ओ ए प्लस एडी, ये हो गया हमारा एडजेसेंट। जो एंगल के नीचे वाला रहता है वो मेरे लिए क्या होता है, एडजेसेंट होता है, तो ओए प्लस एडी ये मेरे लिए हो गया। अब गाइस देखो ओए मेरे पास है, ओए है कि नहीं है, ओए है क्या मेरे पास,
ओए ओए की वैल्यू है मेरे पास, ओए पी है, एडी एडी भी मैंने निकाल लिया, एडी कहाँ निकाले, एडी कहाँ निकाले, देखो एडी एसी कॉस थीटा, तो ओए भी है एडी भी है, बट टेंशन क्या पता है मेरे पास सीडी नहीं है, ये वाला, ये सीडी की वैल्यू नहीं है, तो मुझे अब सीडी की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, तो सीडी की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, चलो पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ, नहीं चलो एक साथ ही लिखेंगे, अब हम बात करते हैं, हम फाइंड करते हैं सीडी की वैल्यू, सीडी की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे गाइस, साइन, अब इसके अंदर छोटे वाले एंगल के अंदर, छोटे वाले एंगल के अंदर, क्योंकि गाइस देखो मुझे ये फाइंड करना है ना, बस ये फाइंड करना है, ये वाला ये फाइंड करना, तो मैं बस इतना ही ट्रायंगल ले लूंगा, मेरा काम हो जाएगा, क्योंकि मुझे सीडी फाइंड करना है, ये देखो सी डी ए, ये हमारा थीटा दिया हुआ है, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे साइन थीटा, साइन थीटा क्या आता है, ओ ओ ओ ओ हो हो अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, अपोजिट मतलब ये हमारा सी डी अपोजिट हो गया, हाइपोटेनस ये क्या होता है 90 के सामने वाला हाइपोटेनस होता है ना, तो ये हमारा ए सी क्या हो गया, हाइपोटेनस, ओके अब ए सी को इधर मल्टीप्लाई कर दो, ए सी ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ए सी, तो सी डी इक्वल टू ए सी साइन थीटा, ए सी साइन थीटा, तो गाइस सी डी की वैल्यू आ गई एकदम, देखो कंप्लीट वैल्यू आ गई, ये हो गया सेकेंड, इसको दे दो थर्ड, और ये हो गया हमारा फोर्थ, अब गाइस क्या करो सबकी वैल्यू पुट करो, अब देखो फिर से लिखता हूं हियर, जो जो हमें चाहिए, ओए ओए देखो खुद से देख लो ना यार, ओए ओए क्या है, ओए ओए क्या है पी, ओके देन इसके बाद एडी, एडी हमने निकाला हुआ है, एसी कॉस थीटा, एसी कॉस थीटा मतलब एसी का तो हमने निकाल दिया ना, चलो चलो लिख ही देता हूं आपके लिए, एसी कॉस थीटा, देन इसके बाद एसी, एसी क्या था, ये देखो एसी, ये देखो ये एसी, ये क्यू है तो ये भी क्यू है, तो ये जाए क्यू कॉस थीटा, देन इसके बाद ओए लिख दिया, एडी लिख दिया, अब सी डी, सी डी की वैल्यू भी हमें मिल गई, सी डी की वैल्यू कितनी है, ए सी, ए सी साइन थीटा, ए सी देखो फिर से, ए सी क्या है, ए सी ये क्यू है तो ये भी क्यू रहेगा, तो क्यू साइन थीटा, अब ये तीनों को इसमें पुट कर देंगे, तीनों को हम इसमें पुट करेंगे, चलो ये कहां जा रहा भाई, तीनों को हम इसमें पुट करेंगे, टेन अल्फा इक्वल सी डी, फिर से आपके लिए लिख रहा हूं, इतने बार तो लिखना नहीं रहता पर मैं चलो आपके लिए लिखता हूं, ओ ए प्लस ए डी, अब गाइस ध्यान दो, सी डी, सी डी कितना दिख रहा है, सी डी कहाँ है, सी डी क्यू साइन थीटा, हमने लिख दिया क्यू साइन थीटा, ओके ओ ए, ओ ए क्या है पी, प्लस ए डी कितना है क्यू कॉस थीटा, क्यू कॉस थीटा, सो गाइस इसके थ्रू हम निकाल सकते हैं एंगल, तो हमने गाइस मैग्नीट्यूड का भी फॉर्मूला बता दिया कैसे फाइंड करना है, और एंगल भी बता दिया कैसे फाइंड करना है, सो गाइस दोनों चीजें मैंने लॉ पैरेललोग्राम के थ्रू मैंने बता दिया, भाई इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, और मैं बोल रहा हूँ भाई देखो इसके अंदर का जो पहला पॉइंट है ना, वो पहले पॉइंट को समझने के लिए आपको इसके पहले का वीडियो देखना पड़ेगा, क्यों सर इसके पहले का वीडियो देखना पड़ेगा, भाई इसके पहले का वीडियो में मैंने बताया हुआ है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, तो वो देखोगे तो ज्यादा अच्छे समझ में आए, क्योंकि वही पॉइंट को फिर से बार 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 बोलता रहूंगा तो कोई कोई मतलब नहीं है, इससे अच्छा पहले वो जाके देख लो फिर ये देखो तो चीजें क्लियर हो जाएगी, तो चलो स्टार्ट करते हैं, और उसके पहले गाइस बता देना चाहता हूँ कि हमारा जो फिजिक्स 2 का पार्ट है, M2 का पार्ट है, केमिस्ट्री का पूरा पार्ट है, बायो 2 का पार्ट है, वो हमारे दूसरे चैनल पे आ रहा है जिसका नाम है प्रदीप गिरी 11th 12th अकेडमी, तो फटाफट जाके उसको भी सब्सक्राइब करके मेरे दोस्तों रख दो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, तो भाई देखो कैरेक्टरिस्टिक में चलो थोड़ा बता ही देता हूँ, थोड़ा सा ज्यादा उतना डीपली नहीं बताऊंगा जैसे मैंने उस दिन बताया था, बट आज थोड़ा सा हमने देखा था स्केलर प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर और दोनों के बीच का जो एंगल होता है उसको हम क्या लेते हैं, कॉस थीटा लेते हैं, तो मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर एंगल बिटवीन टू वेक्टर क्या होगा, कोसाइन थीटा, कोसाइन ऑफ एंगल थीटा बिटवीन टू वेक्टर, ये था उस दिन मैंने ये एक्सप्लेन किया था स्केलर प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट के लिए, ये आपके दिमाग में होगा, अब इसके अंदर गाइस ये देखो क्यू कॉस थीटा, क्यू कॉस थीटा क्या है, ये क्यू कॉस थीटा कॉम्पोनेंट है, किसका कॉम्पोनेंट है, क्यू का, और जो क्यू का
कंपोनेंट होता है वो क्यू पे नहीं होता, किस पे होता, ये जैसे ये क्यू का, ये क्यू है, क्यू का कंपोनेंट कहाँ रहेगा, पी पे रहेगा, तो क्यू का कंपोनेंट, या देखो कंपोनेंट ऑफ क्यू इन द डायरेक्शन ऑफ पी, ये सभी चीजें मैंने उस दिन एक्सप्लेन की थी। बट अगर मैं यहाँ पी का कंपोनेंट लू तो जो पी का कंपोनेंट रहेगा वो किसके जस्ट अपोजिट वाले वेक्टर पे रहता है, उसका डायरेक्शन जस्ट अपोजिट वाले वेक्टर पे रहता है, तो कंपोनेंट ऑफ पी बार इन द डायरेक्शन ऑफ क्यू बार। ओके, ये चीजें मैंने एक्सप्लेन की है, इसको जाके इसके पहले वाले लेक्चर में बहुत अच्छी तरीके से देख लो। अब बात करते हैं सेकंड, सेकंड में क्या दिया हुआ है गाइस, स्केलर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर को क्या करता है, फॉलो करता है। कम्यूटेटिव लॉ बहुत सिंपल है यार, ऐसा आपने किया ही है, बस ये बड़े 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 नाम आ गए, काम वही है जो आप पहले भी करते हो। कम्यूटेटिव लॉ मतलब पी बार डॉट क्यू बार लिखा हुआ है, मतलब यहाँ यहाँ मैं लिख के दिखाऊँ आपको एक चीज, इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, पूरा लेक्चर मैंने अब भी रिकॉर्ड किया है, बाद में देख रहा हूँ माइक ही नहीं चालू है क्या बोलूँ यार, जिंदगी कोई नहीं, आप लोग का प्यार ही काफी है। पी बार डॉट क्यू बार इक्वल पी क्यू कॉस थीटा, पी क्यू कॉस थीटा। तो भाई हम इसके अंदर कॉमिटेटिव लॉ के, कॉमिटेटिव लॉ ये कहता है कि हम इसको उल्टा भी कर सकते हैं, क्यू बार डॉट पी बार, मतलब ये क्या हो जाए, क्यू पी कॉस थीटा, मतलब हम इसको उल्टा कर सकते हैं, हम इसको उल्टा कर सकते हैं, पी बार डॉट क्यू बार पी क्यू कॉस थीटा, वो किसके इक्वल होगा, अगर हम यहाँ पी क्यू को क्यू पी भी कर देना तो भी क्या हो, वैल्यू चेंज होने वाला नहीं है, वैल्यू चेंज नहीं होगा, और इसी को हम क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव लॉ। सर पर ऐसा क्या स्पेशल है सर, 3 × 2 भी वही होता है सर, 2 × 3 भी वही होता है। भाई ये चीजें ना जब मैं क्रॉस प्रोडक्ट आपको पढ़ाऊंगा ना तो समझेगा, उसके अंदर बिल्कुल चीजें अलग है, अगर हम वहां उल्टा कर देंगे ना तो बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती है। तो भाई इसीलिए इसको दिमाग में रखना कि यहाँ हम अगर स्केलर प्रोडक्ट के अंदर चीजों को उल्टा भी करेंगे तो भी वैल्यू चेंज होने वाली नहीं है, पी क्यू कॉस थीटा इक्वल टू क्यू पी कॉस थीटा, और यहाँ क्यू बार डॉट पी बार पर वैल्यू वही का वही रहेगा, चीजें क्या रहेगी, सेम रहेगी, बिल्कुल चेंज होने वाला नहीं है। इसका मतलब स्केलर प्रोडक्ट क्या ओबे करता है, कम्यूटेटिव लॉ। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट, इफ थीटा इक्वल टू, देखो ये सब जो दिख रहा है ना ये मैंने सॉल्व किया था, पूरा कंप्लीट हो गया था, पर बाद में देखा तो माइक ही चालू नहीं है, कोई बात नहीं। तो इफ थीटा इक्वल टू टू वेक्टर आर पैरेलल टू ईच अदर, थोड़ा ऊपर चला गया होगा, 1 मिनट, सब सॉल्व किया था मैंने, अभी क्लीन कर देता हूँ। तो गाइस पहला इसके अंदर हम देखेंगे कि हमने पहला देखा कि जो स्केलर प्रोडक्ट है वो कॉमोडिटी लॉ को ओबे करता है, अब दूसरा हम देखने वाले हैं कि जो स्केलर प्रोडक्ट है वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मल्टीप्लिकेशन को भी ओबे करता है। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, चलो मैं बताता हूँ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मल्टीप्लिकेशन यहाँ ऑलरेडी दिया हुआ है पर चलो मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ। क्यू बार प्लस क्यू पी आर लिखा हुआ आर, अब गाइस हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, मतलब पी बार का मल्टीप्लीकेशन पी का बार क्यू के साथ, देन पी बार अगेन आर के साथ, ये हम डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहे हैं। पर यहाँ ये एक्सप्लेन करने के टाइम बीच में डॉट देना, क्योंकि हमारी आदत ऐसे मल्टीप्लाई करने का है, तो अगर यहाँ मल्टीप्लाई कर दोगे डॉट के जगह, बोलेंगे सर डॉट और ऐसा मतलब दोनों का ही मल्टीप्लीकेशन होगा, नहीं भाई यहाँ अलग है, डॉट के जगह यहाँ डॉट ही देना, तो इसी को क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। सर ये तो हम करते थे, भाई यहाँ हमें ये लॉ बताया हुआ है तो हमें ऐसे लिख के उनको बताना पड़ेगा कि कम्यूटेटिव लॉ भी फॉलो करता है और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी फॉलो करता है, क्योंकि बहुत सारे वेक्टर वो चीजें फॉलो नहीं करते, इसीलिए इसके अंदर बताना पड़ रहा है। तो तुम्हें दो रूल पता चल गया। अब इसके बाद कुछ स्पेशल केसेस है, वैसे यहाँ दो ही केसेस लिखा हुआ पर एक केस और है जो मैं आपको बताऊंगा, और नोट्स में आपको तीनों केसेस जाएंगे, टेंशन मत लो। तो हमें जो स्केलर प्रोडक्ट का जो इक्वेशन था, स्केलर प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट का जो इक्वेशन था वो क्या था, पी बार डॉट क्यू बार इक्वल पी क्यू कॉस थीटा, यही था। अब मान लो दोस्तों दो वेक्टर पैरेलल हैं, दो वेक्टर पैरेलल है मतलब दोनों या तो एक्स में ही है, या तो दोनों वाई में ही है, या तो दोनों जेड में ही है, तो उस कंडीशन के अंदर अब देखो इनके बीच में तो कुछ एंगल बन नहीं रहा, जब दोनों दो वेक्टर पैरेलल हैं तो इनके बीच में कोई एंगल नहीं बन रहा है, तो थीटा कितना हो जाएगा, जीरो। तो पी क्यू कॉस थीटा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री, और कॉस 0 डिग्री कितना होता है, 1 होता है, 1 होता है। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, जब दो वेक्टर पैरेलल होंगे उसके लिए डॉट प्रोडक्ट के अंदर पी बार डॉट क्यू बार इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी क्यू हो जाएगा, ये याद रखना है। और उस केस में गाइस आप सभी को पता है यूनिट वेक्टर कैसे लिखेंगे, अब आप सभी को पता है कि दोनों वेक्टर सेम ही डायरेक्शन में, मतलब पहला वाला भी एक्स में है, दूसरा वाला भी एक्स में, तो आई क्या दिखाता है, आई दिखाता है एक्स डायरेक्शन, या के आई आई कैप डॉट आई कैप इक्वल टू कितना का, 1।
जे कैप डॉट जे कैप, मतलब दोनों ही वेक्टर कौन से डायरेक्शन में है, वाई डायरेक्शन में है। जे कैप डॉट जे कैप इक्वल टू वन, क्योंकि यहाँ वैल्यू जीरो नहीं है, इसको क्या लेंगे वन, कितना है वन। देन इसके बाद के कैप डॉट के कैप, मतलब ये जो वेक्टर है कौन से डायरेक्शन, दोनों का दोनों ही जेड डायरेक्शन में है, कौन से डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन, इक्वल टू वन। तो भाई आई कैप जब भी दो वेक्टर पैरेलल होंगे तो यूनिट वेक्टर में आई कैप डॉट आई कैप इक्वल टू वन होगा। जे कैप डॉट जे कैप मतलब कहने का मतलब दोनों वेक्टर सेम ही डायरेक्शन में, दोनों वेक्टर जब सेम डायरेक्शन में होगा तो उसका यूनिट वेक्टर का आंसर क्या होगा, वन होगा। आई कैप जे कैप डॉट जे कैप के कैप डॉट के कैप इक्वल टू कितना होगा, वन होगा। ये दिमाग में फिट करना है। बट गाइस अब मान लो दो वेक्टर एंटी पैरेलल मतलब कहने का मतलब क्या है, एक इस साइड जा रहा है, एक इस साइड जा रहा है, तो भाई दोनों के बीच जो एंगल बन रहा है वो कितना बनेगा, 180 डिग्री का बनेगा ना, कितना बनने वाला 180 डिग्री। तो ये यहाँ क्या हो जाएगा, इसका इक्वेशन फाइनल क्या हो जाएगा, पी बार डॉट क्यू बार इक्वल पी क्यू कॉस 180 डिग्री, और कॉस 180 डिग्री कितना होता है, माइनस वन, तो इसलिए पी बार डॉट क्यू बार इक्वल टू कितना जाएगा, माइनस पी क्यू। क्लियर हो गया भाई, तो इसका इक्वेशन ये होगा, याद रखना। अब चलते हैं जो तीसरा और लास्ट, इसका लास्ट जो तीन केसेस दिए, लास्ट वाला केस में क्या है गाइस, कि मान लो तीनों के जो दोनों वेक्टर हैं, दो वेक्टर जो दिए हुए हैं वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अब परपेंडिकुलर है तो आप सभी को पता है, एक एक्स में दूसरा वाई में है, या तो एक वाई में है इसके तीसरा जेड में है। ओके मतलब कहने का मतलब दोनों वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर है, एक एक्स में हो सकता है, वाई में हो सकता है, वाई में हो सकता है, जेड में हो सकता है, या तो एक्स और जेड, पर जो दोनों वेक्टर है वो दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है, क्या है, परपेंडिकुलर। और जब भी परपेंडिकुलर होता है तो दोनों के बीच का जो एंगल होता है वो 90 होता है, तो क्या होता है, पी क्यू कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 डिग्री मेरे दोस्त आप सभी को पता है कॉस 90 जीरो होता है, ये जीरो का तो पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। तो इसलिए पी बार डॉट क्यू बार इक्वल टू आंसर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब ये जीरो हो गया तो मेरे दोस्त जो यूनिट वेक्टर है, मतलब एक आई है, एक एक्स डायरेक्शन में, एक वाई डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच एंगल कितना बन रहा है, 90 का ना, तो 90 मतलब क्या, जीरो। तो यूनिट वेक्टर की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। आई कैप डॉट जे कैप इक्वल टू जीरो, जे कैप डॉट के कैप इक्वल टू जीरो, के कैप डॉट आई कैप इक्वल टू जीरो, मतलब जस्ट अपोजिट रहा, जस्ट उसका दूसरा यूनिट वेक्टर रहा तो क्या होगा, उसका जीरो रहेगा, सेम रहा तो वन रहेगा। ये दिमाग में फिट कर लेना मेरे दोस्त, क्योंकि बहुत काम आने वाला आगे जो करवाने वाला उसमें, और प्लस न्यूमेरिकल्स के अंदर। तो चलो अगला, अब इसके अंदर गाइस देखो, इसके अंदर क्या दिया हुआ, पहले ये समझ लो कि हमें एक वेक्टर दिया हुआ है, पी, और इसको हमने तीन कंपोनेंट में रिजॉल्व किया, एक्स एक्सिस, ओके, देन वाई एक्सिस, देन इसके बाद जेड एक्सिस रिजॉल्व किया। एक और वेक्टर दिया हुआ है, एक और वेक्टर है जो है हमारा क्यू बार, इसको भी हमने तीन एक्सिस में रिजॉल्व किया, क्यू ऑफ एक्स बार, क्यू ऑफ वाई बार एंड क्यू ऑफ जेड बार। ओके तो भाई ये दोनों जो वेक्टर दिया हुआ है, अगर मैं इसका स्केलर प्रोडक्ट निकालूंगा, डॉट प्रोडक्ट निकालूंगा, तो इसका टोटल रिजल्ट कितना निकलेगा, ये मुझे क्या करना है, फाइंड करना है। ये मेन जो वेक्टर दिया हुआ है, इसको अगर मैं दोनों से कंपोनेंट को लेके अगर मैं इसका डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट निकालूंगा, तो इसका फाइनल रिजल्ट कितना निकलेगा, वो मुझे क्या करना है, फाइंड करना है। वैसे ये क्वेश्चन आपका टेक्सुअल भी है, बट मैं यहाँ करके दे देता हूँ, और आपके बुक में भी है। देखो ये हमारा फाइनल रिजल्ट आना चाहिए, हमारा फाइनल रिजल्ट ये आना चाहिए। अब देखो इसके अंदर p वेक्टर है, इसको x कंपोनेंट, y कंपोनेंट और z कंपोनेंट, यहाँ बस मैग्नीट्यूड है, तो ये i हमारा डायरेक्शन का काम कर दे रहा है, यानी मैग्नीट्यूड, और g मतलब डायरेक्शन का काम कर दे रहा है, और ये वाला डायरेक्शन काम कर दे रहा है, वैसे ही q को भी किया हुआ है। अब दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे और फाइनल रिजल्ट हमारा ये आना चाहिए। तो चलो करते, अरे भाई बहुत सिंपल है ऐसा, हम लोग ना कैलकुलेशन तो ये आपको आना चाहिए, आप मुझे फटाक से बोल दो सर हम कर लेंगे। p बार डॉट q बार, दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालना है ना, पी बार डॉट पी बार, पी बार की वैल्यू कितनी दी है, पी ऑफ एक्स आई कैप प्लस पी ऑफ वाई जे कैप प्लस पी ऑफ जेड के कैप,
डॉट क्या है, क्यू बार इक्वल क्यू ऑफ एक्स आई कैप यहाँ क्यू लिखा ना, क्यू की वैल्यू लिखनी है ना, मैं क्यू लिख दिया, क्यू ऑफ एक्स आई कैप प्लस क्यू ऑफ वाई जे कैप प्लस क्यू ऑफ जेड ए कैप हो गया। आप गाइस क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन जैसे करते इस वाले को पूरे के साथ, इस वाले को पूरे के साथ, इस वाले को पूरे के साथ, जैसा हम नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन कैसे करते वैसे कर रहे हैं। क्यू ऑफ एक्स आई कैप को पूरे इक्वेशन के साथ, पूरा इक्वेशन क्या है, क्यू ऑफ एक्स आई कैप प्लस क्यू ऑफ वाई जे कैप क्यू ऑफ जेड, भाई जैसे हम नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करते हैं। और इसके बाद क्या प्लस, मैं डायरेक्ट नीचे नीचे लिखता हूँ, पी ऑफ वाई जे कैप, सो क्या होगा फिर से इसके साथ, क्यू ऑफ एक्स आई कैप प्लस क्यू ऑफ वाई जे कैप प्लस क्यू ऑफ जेड के कैप, ओके। देन इसके बाद फिर से प्लस, अब गाइस पी ऑफ जेड, पी ऑफ जेड के कैप, जैसे हम नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन करते हैं यार मेरे दोस्त, पी ऑफ जेड को फिर से पूरे के साथ, क्यू ऑफ एक्स आई कैप प्लस क्यू ऑफ वाई जे कैप प्लस क्यू ऑफ जेड के कैप, ओके। मतलब पी ऑफ एक्स को पूरे के साथ, पी ऑफ वाई जे कैप को पूरे के साथ, पी ऑफ जेड को पूरे के साथ, ऐसा ही तो मल्टीप्लीकेशन हम करते हैं। और एक चीज और अभी बताना चाहूंगा, आज प्रॉब्लम की बरसात जम जम के हो रही है, हमारा ये वीडियो फिर से कंप्लीट हो गया तो वहां देख रहे हैं हम लोग स्पेस ही कम कंप्लीट हो गया, आगे का रिकॉर्ड ही नहीं हुआ था, तो इसके आगे का मैं यहाँ से दिख रहा हूँ, ये जो डिजाइन दिख रहा है यहाँ से का फिर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कोई बात नहीं, बस आप लाइक कर दो यार, ठोक दो इस पर लाइक बहुत ज्यादा। पी ऑफ एक्स, अब देखो गाइस आपको मैंने अभी बताया था कि आई कैप डॉट आई कैप की वैल्यू वन होती है, और अगर जस्ट अपोजिट या कुछ और अलग यूनिट वेक्टर हो तो उसका आंसर क्या होगा, जीरो होगा। अब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, पी ऑफ एक्स क्यू ऑफ एक्स, आई कैप कितना होगा, आई कैप वन होगा, और क्या बचेगा, ये होगा पी ऑफ एक्स क्यू ऑफ एक्स हो गया। देन इसके बाद पी ऑफ एक्स को अगर क्यू ऑफ वाई के साथ करूंगा तो यहाँ आई और जे है तो आंसर जीरो आ जाएगा, यहाँ देखो तीसरा आई और के है तो आंसर जीरो आ जाएगा, तो यहाँ बस पहले मल्टीप्लीकेशन बस यही आएगा पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स। अब दूसरा देखते हैं पी ऑफ वाई, ऐसे एक एक नीचे लिखोगे तो ज्यादा अच्छे रहेगा, बहुत सारे लड़के एक ही लाइन में लिख देते हैं, ऐसा लिखोगे तो ज्यादा अच्छा है, पी ऑफ वाई जे कैप आई कैप है तो भाई पहला वाला तो जीरो आएगा, अब दूसरा वाला जे और जे ये भी जे है तो इसका आंसर आएगा, तो इसका हम लिखेंगे जे कैप वन हो जाएगा, और क्या बचेगा पी ऑफ वाई क्यू ऑफ वाई, पी ऑफ वाई एंड क्यू ऑफ वाई, पी ऑफ वाई एंड क्यू ऑफ वाई। इसके बाद लास्ट वाला जे और के है, जे और के, जे और के जस्ट उल्टा है तो भाई क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर है मतलब, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जीरो, और इसका आंसर जीरो हो गया तो इसके साथ वाली वैल्यू भी जीरो हो जाएगी, तो इसके बाद बस क्या लगा दो प्लस। अब लास्ट वाला इसका तो डायरेक्ट ही आप समझ रहे हो, के आई तो पहला वाला जीरो, दूसरा के जे दूसरा वाला भी जीरो, तीसरा वाला के है तो के वन हो जाएगा, और आगे वाला क्या पी जेड और क्यू जेड, पी जेड एंड क्यू जेड, पी जेड एंड क्यू जेड हो गया। तो फाइनली हमारा जो आंसर आएगा पी बार डॉट क्यू बार इक्वल पी एक्स क्यू एक्स प्लस पी वाई क्यू वाई प्लस पी जेड एंड क्यू जेड, देखो यही था ना, हो गया निकल गया। तो भाई यहाँ हमने फाइनली पूरा का पूरा फिर से फाइंड कर दिया, फिर से क्यों बोल रहे हैं सर, क्योंकि भाई दो बार हम कर चुके। इस वीडियो के अंदर गाइस हम वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट ये टॉपिक कवर करने वाले हैं, इसके पहले हमने डॉट प्रोडक्ट देखा था, अगर दोनों आप देख लोगे ना तो दोनों के बीच डिफरेंस क्या है तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। और गाइस इसके पहले आपको बताना चाहूंगा फिजिक्स 2 बायो 2 देन मैथ का मैथ 2 देन केमिस्ट्री का पूरा पार्ट, ये हमारे दूसरे चैनल प्यारे इसका नाम है प्रदीप 11th 12th एकेडमी, भाई फटाफट सब्सक्राइब करो, एग्जाम नजदीक आ रहा है, आपको पता ही ना चले कि सर ये पार्ट टू किधर है, हम दोनों साइड से स्टार्ट करके रखे फिजिक्स 1 भी फिजिक्स 2 भी, जिससे आपका सिलेबस ऑन टाइम कंप्लीट हो जाए। तो चलो स्टार्ट करते गाइस। अब मान लो सबसे पहले हम देखते हैं कि वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट होता क्या है, क्या है उसका इक्वेशन, तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट, ओके इसके पहले डॉट था, यहाँ तो डॉट देते थे, अब ये क्रॉस प्रोडक्ट है, तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज डिफाइन एज मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर, देखो उसके बाद बार नहीं दे रहा हूँ, इज डिफाइन एज मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर एंड दोनों वेक्टर का जो एंगल है वो एंगल इस बार हम किससे लिखेंगे, साइन थीटा से लिखेंगे,
डॉट प्रोडक्ट में अगर आपने ध्यान दिया होगा तो वहां हम कॉस थीटा लेते थे एंगल के लिए, यहाँ क्या लेंगे हम साइन थीटा लेंगे। अब एक चीज दिमाग में रख लो, ये देखो बता देता हूँ, ये दोनों वेक्टर है और ये दोनों के बीच का एंगल जो हम ले रहे हैं वो साइन थीटा ले रहे हैं। ओके, अब साइन थीटा क्यों ले रहे हैं भाई, बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक है जिसके अंदर वैल्यू साइन के जगह पे रखेंगे तो उसका आंसर वही होना चाहिए। अगर हम यहाँ कॉस लेंगे तो कॉस की वैल्यू 0 डिग्री की अलग होती है, 90 डिग्री की अलग होती है, 180 डिग्री की अलग होती है, तो भाई बिल्कुल इक्वेशन चेंज हो जाएगा। इसीलिए इसके लिए हम क्या लेंगे, साइन थीटा लेंगे। अब यहाँ क्लियरली समझो, एक बार और मैं इक्वेशन को डिफाइन कर देता हूँ। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज डिफाइंड एज मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर एंड साइन ऑफ द स्मॉलर एंगल बिटवीन टू वेक्टर, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल जो रहेगा उससे हम साइन थीटा से लेंगे। अब गाइस एक चीज और दिमाग में रख लो कि जो वेक्टर प्रोडक्ट होता है उसके अंदर डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है, ये दोनों जो वेक्टर है इनका डायरेक्शन कौन से साइड रहेगा, इनका डायरेक्शन किधर रहेगा, तो दोनों वेक्टर का जो रिजल्ट है उसका डायरेक्शन कौन से साइड रहेगा, तो इसको हम फाइंड करते हैं बाय यूजिंग राइट हैंड स्क्रू रूल। कौन सा रूल, राइट हैंड स्क्रू रूल। कैसे, चलो मैं बता देता हूं, सिंपल सा। ये देखो, ये मान लो दो वेक्टर है, ये आपको दिखाई दे रहा टू वेक्टर है, और ये दोनों वेक्टर मान लो ये पी है और ये क्यू है। अगर मैं पी से क्यू जा रहा हूं, पी से कहां जा रहा हूं, क्यू जा रहा हूं, तो डायरेक्शन, ये दोनों का रिजल्टेंट डायरेक्शन ऊपर के साइड है। अगर मान लो क्यू से पी आ रहा हूं तो दोनों का रिजल्टेंट का डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो भाई इसी तरह से स्क्रू रूल का यूज करके, स्क्रू जो हम ओपन करते हैं, स्क्रू रूल का यूज करके हम क्या फाइंड करते हैं, दोनों वेक्टर का डायरेक्शन फाइंड करते हैं, किसके अंदर, क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर। देखो क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट, डॉट प्रोडक्ट के अंदर डायरेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं था, इसीलिए कम्यूटेटिव लॉ ओबे होता था। कम्यूटेटिव लॉ याद होगा आपको, पी डॉट क्यू इक्वल टू क्यू डॉट पी, याद होगा ना, उसमें उल्टा कर सकते थे पर इसके अंदर उल्टा नहीं कर सकते। पी से क्यू जा रहे तो डायरेक्शन अलग साइड जा रहा है, क्यू से पी आ रहे तो डायरेक्शन अलग साइड आ रहा है, दोनों का मैग्नीट्यूड नंबर सेम है, नंबर क्या है सेम है, पर डायरेक्शन क्या हो रहा है, अलग हो रहा है, डायरेक्शन क्या हो जा रहा है, अलग हो जा रहा है, इसीलिए इसके अंदर कम्यूटेटिव लॉ ओबे नहीं करेगा। ये चीज आगे हम देखने वाले। देखो अगर दो वेक्टर, देखो लिखा है वेक्टर प्रोडक्ट डज नॉट ओबे कम्यूटेटिव लॉ मल्टीप्लीकेशन, क्यों ओबे नहीं करेगा, मैंने बताया क्योंकि इसके अंदर जब पी से क्यू जाएंगे तो डायरेक्शन अलग साइड रहेगा और क्यू से पी जाएंगे तो डायरेक्शन अलग साइड रहेगा, इसलिए कम्यूटेटिव लॉ ओबे नहीं करेगा। हाँ, बट अगर मैं बस उसके मैग्नीट्यूड की बात करूँ, नंबर की बात करूँ, क्योंकि ये जो साइन मैंने दिया है इसका मतलब मैग्नीट्यूड है, अगर मैग्नीट्यूड की बस बात करूँ दोनों इक्वल रहेगा। बट अगर 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 मैं कम्यूटेटिव लॉ ओबे मैग्नीट्यूड की बात नहीं कर रहा हूँ, टोटल बात कर रहा हूँ, तो ये डज नॉट ओबे कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन, कम्यूटेटिव लॉ ओबे नहीं करेगा। पी बार क्रॉस क्यू बार इज नॉट इक्वल टू क्यू बार क्रॉस पी बार, क्लियर, और मैंने बता भी दिया क्यों, बिकॉज ऑफ डायरेक्शन। अब बात करते हैं इसके अंदर, हाँ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओबे करता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओबे करता है मतलब ए बार क्रॉस जो हमारा दिया बी बार प्लस सी बार, ओके, ए बार क्रॉस ब्रैकेट बी बार प्लस सी बार। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा ए बार क्रॉस बी बार प्लस ए बार, यहां लिख दे रहा हूं, चलो ए बार क्रॉस बी बार प्लस ए बार क्रॉस सी बार, ओके। तो मतलब ये कम्यूटेटिव लॉ और मतलब ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओबे करता है कौन, हमारा वेक्टर प्रोडक्ट, याद रखो कम्यूटेटिव लॉ ओबे नहीं करता, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओबे करता है। एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, बताओ कम्यूटेटिव लॉ ओबे कौन करता है, मैं देखना चाहता हूँ कितने लोगों को याद है, यहाँ तक कोई वीडियो देख रहा हो कॉमेंट जरूर करेगा। इसके बाद गाइस तीसरा स्पेशल केसेस, जैसे उसके अंदर हमने स्पेशल केसेस देखा था, 0 डिग्री का देखा था, 90 डिग्री का देखा था, 180 डिग्री का देखा था, तो इसके अंदर स्पेशल केसेस है। पहला वाला स्पेशल केस है अगर दो दो वेक्टर, दोनों वेक्टर जो है वो एंटी पे, यहाँ एंटी पैरेलल लिखा हुआ है, ये एक्चुअल क्या होगा, पैरेलल होगा, ओके। अगर इफ टू नॉन जीरो वेक्टर है पैरेलल, अगर दो क्या है पैरेलल है, अगर दो पैरेलल है तो उसका जो वेक्टर प्रोडक्ट होगा, वेक्टर प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो वेक्टर होगा। कैसे, चलो हम यहां देख लेते हैं, पी बार क्रॉस क्यू बार इक्वल टू पी क्यू साइन थीटा। अब अगर दो पैरेलल है, दो वेक्टर पैरेलल है, तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो जाएगी, और आप सभी को पता है साइन 0 डिग्री कितना होता है, 0 होता है, और साइन 0 डिग्री 0 मतलब ये 0 हो गया, तो पूरी की पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, पूरी की पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। इसीलिए अगर दो वैक्टर,
अगर दो वेक्टर पैरेलल है तो वेक्टर प्रोडक्ट उसका क्या आ जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जीरो। अब दूसरी चीज, अगर दो वेक्टर, दो नॉन जीरो वेक्टर एंटी पैरेलल है, क्या है, एंटी पैरेलल, तो एंटी पैरेलल दोनों बीच के, दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा, 180 डिग्री, कितना बनने वाला, 180 डिग्री। और 180 डिग्री को भी अगर मैं रखता हूँ पी बार क्रॉस क्यू बार इक्वल पी क्यू साइन 180 डिग्री, साइन 180 डिग्री कितना होता है, जीरो होता है, साइन 180 डिग्री जीरो होता है। अगर ये जीरो हो गया तो ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। इसलिए पी बार क्रॉस क्यू बार इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, अगर जीरो डिग्री रहा तो भी वेक्टर प्रोडक्ट जीरो रहेगा, और अगर 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 180 डिग्री रहा मतलब एंटी पैरल रहा तो भी वेक्टर प्रोडक्ट क्या रहेगा, जीरो रहेगा। समझ में, क्योंकि देखो वैल्यू अपने को याद ही है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं, कि अगर जीरो डिग्री रहा तो भी जो वेक्टर प्रोडक्ट है वो जीरो रहेगा, और अगर अगर 180 डिग्री रहा मतलब एंटी पैरल रहा, एंटी पैरल रहा तो भी वेक्टर प्रोडक्ट क्या रहेगा, वेक्टर प्रोडक्ट रहेगा, जीरो वेक्टर रहेगा। ओके, जीरो वेक्टर, सभी टाइप्स ऑफ वेक्टर हमने सीखा हुआ है, क्लियरली समझ में आ गया। अब बढ़ते आगे, अगला, अब 90 डिग्री, 90 डिग्री ये वाला, दो वेक्टर ऐसे है 90 डिग्री पे है, दो वेक्टर 90 डिग्री, अब दो वेक्टर 90 डिग्री पे है तो हम फिर से लिखेंगे, फिर से फाइंड करेंगे पी क्रॉस क्यू बार, पी बार क्रॉस क्यू बार इक्वल टू पी क्यू साइन थीटा, थीटा कितना 90 डिग्री है ना, साइन 90 डिग्री कितना होता है, साइन 90 डिग्री वन होता है। तो अगर ये वन हो गया, ये वन हो गया, ये क्या हो जाएगा, पी बार क्रॉस क्यू बार इक्वल टू पी क्यू, समझ में। तो अगर 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 थीटा इक्वल टू, अगर दो दो नॉन जीरो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, क्या है, परपेंडिकुलर, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर। ओके, अगर मान लो यहाँ मैग्नीट्यूड यहाँ दे देता हूँ, मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर ये वाला जो आपके बुक में लिखा हुआ, मैग्नीट्यूड टू वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ देयर वेक्टर, मतलब दोनों दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। क्लियरली समझ में आ गया, जब दो वेक्टर, जब क्रॉस वेक्टर, जो क्रॉस प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ, क्रॉस प्रोडक्ट में अगर दो वेक्टर, दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए तो भाई पी क्यू पी पी बार क्रॉस क्यू बार इक्वल टू कितना हो जाएगा, पी बार क्रॉस क्यू बार इक्वल टू पी क्यू हो जाएगा। अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूंगा तो मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ देयर वेक्टर, मतलब दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। इसका मतलब क्या है गाइस, इसका मतलब क्या है, एक चीज और देख लो, हाँ, इसके अंदर एक चीज आपको याद रखना है जो बहुत सिंपल है, जिसकी हम डायरेक्शन की बात कर रहे थे। डायरेक्शन आप सभी को पता, किससे पता चलता है, आई जे के से, जो हमारा यूनिट वेक्टर है। तो भाई आई क्रॉस आई, ये पीछे बताना मैं भूल गया, ये अगर देखो दोनों सेम डायरेक्शन में परपेंडिकुलर, आपसे पैरेलल, पैरेलल याद है ना, दोनों अगर सेम डायरेक्शन में, तो इसके पहले जो डॉट में था आई कैप डॉट आई कैप वन होता था, आपने बोला था इसने, मतलब पहला वाला वीडियो देखो, पैरेलल में आई कैप डॉट आई कैप वन होता था, पर इसमें उल्टा है, आई कैप क्रॉस आई कैप इक्वल टू जीरो हो जाएगा। क्योंकि अभी हमने देखा ना कि अगर पैरेलल है, अगर पैरेलल है, अगर पैरेलल है तो उसका आंसर क्या आता है, जीरो आता है, क्या होता है, जीरो आता है। तो उसी तरह से अगर दोनों दोनों सेम ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, दोनों वेक्टर सेम ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो क्रॉस प्रोडक्ट में इसका आंसर क्या होगा, जीरो होगा। ओके, दोनों सेम डायरेक्शन, अब मान लो ये वाई में, ये भी वाई में और ये भी वाई में, बट इसका क्रॉस क्या होता है, दोनों आपने देखा ना, दोनों अगर पैरेलल है, एक ही वेक्टर के अंदर पैरेलल है, तो इसका आंसर भी क्या होगा, जीरो होगा। तो जेड आई जे, सॉरी के 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 कैप क्रॉस के कैप इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीरो। ओके, दोनों देखा, आई मतलब एक्स, दोनों ही एक्स डायरेक्शन में, तो क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर जीरो हो जाएगा, पर डॉट प्रोडक्ट के अंदर वन हो जाएगा। देन इसका जे क्रॉस जे, जे क्रॉस जे दोनों ही वाई डायरेक्शन में, दोनों ही सेम वाई डायरेक्शन में रहेगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, जीरो। क्योंकि हमने देखा ना साइन थीटा, थीटा कितना होता है, जीरो डिग्री होता है, और साइन थीटा जीरो डिग्री होता है, तो पूरी की पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। उसी तरह के कैप क्रॉस के कैप इक्वल टू क्या, जीरो। तो ये वैल्यू आपको याद रखना है। अगर मैं परपेंडिकुलर की बात करूं तो यहां चीजें अलग हो जाती है, आई कैप जे कैप, पहले यहां मैं लिखता आई जे के, ऐसे लिख देता हूं जिससे आपको आसानी होगी, इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते थे, आई जे, आई और जे का ऐसे ऐसे जाने का, आई और जे का आंसर आ जाएगा के कैप। ओके, और जे और के का, जे और के का, जे क्रॉस के
जे क्रॉस के का आंसर क्या आ जाएगा, आई कैप। देखो कैसे जा रहा है, जे के का आंसर क्या आ जाएगा, आई कैप। क्लियर, एकदम दिमाग में रखोगे तो समझेगा। अब इसके बाद गाइस लास्ट, के कैप के बाद क्या, इधर ही आओ, आई, के कैप क्रॉस आई कैप, आंसर क्या आ जाएगा, जे कैप। तो देखो तीनों चीज मैंने लिख दी, आई कैप और जे कैप, आई और जे क्या है, के। फिर जे और के का क्या आ जाएगा, आई, और के और आई का क्या आ जाएगा, जे। तो इस तरह से बहुत लोग इसको रट्टा मारते हैं, बार 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 याद करते, देखो छोटू हो रहा है, बार बार याद करते, पर मैं आपको इसी तरीके से बता दिया कि इस डायरेक्शन में जा रहे, इस डायरेक्शन में अगर आप राइट हैंड साइड में जा रहे हो तो इस तरह से याद रखो, आई जे गया तो के गया तो आई, और के आई गया तो जे, ऐसे ऐसे याद रखो, कभी कंफ्यूज नहीं हो गया। अब उल्टा, अब मैं ऐसे जा रहा था ना, अब मैं कैसे जाता हूँ पता है, इसका डायरेक्शन जब दो परपेंडिकुलर है तो उसका डायरेक्शन किधर रहेगा ये मुझे पता रहना चाहिए। अब मान लो आई आई जे के ऐसा है, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। अब हम उल्टा चलते हैं, अभी मैं ऐसे जा रहा था ना, अभी मैं कैसे जा रहा था, ऐसे जा रहा था, अब मैं उल्टा जाता हूं, अगर आई के रहा, आई क्रॉस के तो उसका आंसर आएगा माइनस जे। यहां मैंने आपको लिख के दिया होगा, ये देखो कहा गया, कहा गया, 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 आई के, हाँ देखो आई के क्या गया, जे। समझ में, अभी हम लोग कैसा जा रहे थे, ऐसे जा रहे थे, अब उल्टा जा रहे। पहले हम लोग ऐसे जाके ऐसे आ रहे थे, अब लेफ्ट हैंड साइड से जा रहे हैं, तो आई के का क्या आ जाएगा, माइनस जे। ओके, अब देखो के जे उल्टा आ रहे, के जे, ओके, जे के होता है ना, पर हम उल्टा ले रहे, के जे का क्या हो जाएगा, आई माइनस आई के। इसके बाद गाइस ये हो गया, फिर जे क्रॉस आई क्या हो जाएगा, माइनस के। देखो भाई एकदम सिंपल तरीके से ये मैंने बताया कि अगर हम ऐसे जा रहे हैं, अगर हम राइट हैंड साइड में जा रहे हैं तो आंसर पॉजिटिव आएगा, और हम लेफ्ट हैंड साइड से अगर चीजें ले रहे हैं तो आंसर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। सिंपल सा ना, आई के थोड़ी होता है, आई के बाद जे होता है, तो इससे आप समझ सकते हो कि आंसर उल्टा आएगा, आई के माइनस जे, के जे माइनस आई, फिर इसका जे आई माइनस के। क्लियर, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, और ये सभी चीजें मैंने यहाँ लिख के दिया हुआ है, मैंने आप सभी को यहाँ लिख के दिया हुआ है, और आप ये नोट्स आप तक मिल भी जाएगा, आपको याद भी हो जाएगा। अब चलते हैं इस आगे, अब हमें एक इक्वेशन दिया हुआ है, ये इक्वेशन को हमें सॉल्व करके हमारा फाइनल रिजल्ट हमें क्या करना है, फाइंड करना है, और वो सभी यूज करना है। अगर सेम सेम रहा, आई क्रॉस आई रहा तो जीरो आएगा, ओके, आई के बाद जे रहा, आई जे रहा तो क्या आएगा, के रहेगा, पर अगर उल्टे साइड आया तो क्या रहेगा, कब माइनस रहेगा, तो मैंने बताया अगर हम ऐसे से जा रहे हैं, आई जे के ऐसे जा रहे हैं तो प्लस में रहेगा, पर अगर हम उल्टा आ रहे हैं तो क्या होगा, माइनस रहेगा। जो दो दो मतलब दो हमारा जो हमने यूनिट वेक्टर यूज किया है, यूनिट वेक्टर क्या बताता है, मैं डायरेक्शन बताता है, तो मैंने सभी चीजें उसके अंदर आपको एक्सप्लेन किए, ध्यान से देखो। अब फाइंड करेंगे गाइस इसको हम, तो चलो फाइंड करते हैं। अब मान लो गाइस मैंने देखो ऊपर लिखा हुआ है, ये दो हमारे वेक्टर में को वेक्टर, दोनों जो वेक्टर दिए उनको रिजॉल्व किया हुआ इनटू एक्स वाई और जेड, ये इसका डायरेक्शन है आई जे के। अब इसका मुझे टोटल फाइंड करके एक रिजल्ट फाइंड करना है, अगर मैं दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करूं तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा वो मैं आपको बताऊंगा, बट उसके लिए गाइस फिर से वो याद कर लो, आई, ये आपको याद होना चाहिए, आई जे के, अगर 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 सेम ही डायरेक्शन में गया, देखो आई क्रॉस जे ऐसे ही जा रहा है तो क्या हो जाएगा, के जे क्रॉस के जे के तो क्या हो जाएगा, आई, और के क्रॉस आई कैप तो क्या हो जाएगा, जे कैप। देखो ऐसे ऐसे जा रहे, आई जे के आई जे हो गया, बट अगर हम उल्टा जा रहे हैं, आई जे के, अब हम उल्टा जा रहे हैं ऐसा ऐसा, तो आई क्रॉस के क्या हो जाए, आई क्रॉस के क्या होगा, माइनस जे। अब के जे उल्टा जा रहे हैं ना, के जे क्या हो जाएगा, के जे माइनस आई। इसके बाद गई जे आई,
जे आई क्या आएगा, माइनस बस ये याद रखना है क्योंकि इसी को लेके हमें यहाँ सॉल्व करना है। अब गाइस दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, पी एक्स आई प्लस पी वाई जे प्लस पी जेड के क्रॉस क्रॉस क्यू एक्स आई कैप क्यू वाई जे कैप प्लस क्यू जेड के कैप। क्लियर, इसको ब्रैकेट ले लेता हूँ। अब गाइस वही वाला काम, ये पूरे को इसके साथ, ये पूरे को इसके साथ, ये और ये पूरे को इसके साथ, मतलब पी एक्स आई कैप को पूरे के साथ, क्यू एक्स आई कैप प्लस क्यू वाई जे कैप प्लस क्यू जेड के कैप प्लस। इसके बाद गाइस नेक्स्ट पी वाई जे कैप, अब सभी को पता है पूरे के साथ, क्यू एक्स आई कैप क्यू वाई जे कैप प्लस क्यू जेड के कैप प्लस देन क्या लास्ट पी जेड के, फिर से अगेन वही एक एक को पूरे के साथ। क्लियर, सब हो गया। अब गाइस सबका रिजल्ट फाइंड करेंगे, आप देखो ध्यान दो एकदम अच्छे से, पी एक्स क्यू एक्स आई कैप पहला जीरो हो जाएगा क्योंकि आप सभी को पता है क्रॉस प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, क्रॉस प्रोडक्ट, ये हमारा क्रॉस प्रोडक्ट है। कौन सा प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर अगर सेम सेम यूनिट वेक्टर है, सेम डायरेक्शन में है और मतलब पैरेलल है तो आंसर क्या होता, जीरो होता, तो ये जीरो हो गया। बट पी एक्स क्यू आई आई जे आई जे आई जे क्या होगा, के कैप, ये देखो ये वाला पी क्यू पहले लिख देता हूं, पहला वाला तो जीरो है ना, तो पहला वाला जीरो लिख देते हैं प्लस, ये देखो पी एक्स क्यू आई पी एक्स क्यू आई आई जे क्या है, आई जे देखो क्या है, के कैप लिख दिया। इसके आगे पी एक्स क्यू जेड, पी एक्स क्यू जेड आई कैप के कैप कहाँ है, आई कैप के कैप कहाँ है, आई कैप के कैप, हाँ आई कैप के कैप माइनस जे, क्या हो गया हमारा माइनस जे कैप, मतलब ये क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ डायरेक्ट माइनस लिख देता हूँ, मुझे लगता है या माइनस लिख देना चाहिए डायरेक्ट, या डायरेक्ट या माइनस हो जाएगा ना, प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, माइनस जे कैप, देखो कैसे जे कैप मैंने लिखा, आई कैप के कैप है तो आई कैप के कैप क्या, आई कैप के कैप माइनस जे हो गया पहला वाला। अब दूसरा वाला गाइस, दूसरा वाला हम लेते हैं आगे, पी वाई क्यू एक्स पी वाई क्यू एक्स जे आई कहाँ, जे आई ये देखो जे आई माइनस के, तो हमें फिर से इसको हटाना पड़ेगा, माइनस डायरेक्ट ही लिख रहा हूं मैं, या तो आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो, माइनस देखो पी वाई क्यू एक्स जे आई है तो पी वाई क्यू एक्स, या तो पहला ऐसा ब्रैकेट ऐसा रखो। अब देखो गाइस आगे, अब हम आगे देखते हैं, ये हो गया हमारा पहला वाला, अब दूसरा पी वाई क्यू एक्स, पी वाई क्यू एक्स जे आई है, इसका यूनिट वेक्टर देखो जे आई है, जे आई देखो क्या है, जे आई माइनस के है, माइनस के है मतलब माइनस ही होगा ना, अब ये प्लस की जगह पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, पी वाई क्यू एक्स, पी वाई क्यू एक्स जे आई क्या हो जाएगा, जे आई माइनस के, तो माइनस है हमने ऑलरेडी ले लिया है क्योंकि यहाँ ये देखो ये यहाँ प्लस होता है ना, तो प्लस माइनस माइनस, ये देखो प्लस होता है तो ये आगे साइन प्लस माइनस माइनस हो गया। आगे चलते हैं पी वाई क्यू आई पहले मैं लिख देता हूँ फिर साइन लिखता हूँ, पी वाई क्यू आई नहीं तो जीरो ही हो जाएगा, इसको लिख के क्या मतलब है, क्यों जीरो हो जाएगा, ये देखो पी वाई क्यू आई और ये देखो पी वाई क्यू आई जे कैप दोनों है ना तो सेम रहेगा, तो क्रॉस प्रोडक्ट में क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, यहाँ प्लस लिख के मैं जीरो लिख देता हूँ। आगे देखो पी वाई क्यू जेड,
पहले मैं लिख देता हूँ पी वाई क्यू जेड, लिख दिया। अब देखो जे कैप के कैप, जे कैप के कैप, जे कैप के कैप, आई कैप आ जाएगा। देखो जे कैप के कैप क्या हो गया, आई, यहाँ इसलिए प्लस लिख देता हूँ क्योंकि हो सकता है माइनस आया तो मुझे फिर से माइनस लिखना पड़ता ना। अभी इसको आगे, अभी हमारा तीसरा यहां तक पहुंच गया। अब तीसरा पी जेड क्यू एक्स, अभी मैं साइन नहीं लिखता हूं, पहले लिख देता हूं पी जेड क्यू एक्स, पी जेड क्यू एक्स, के कैप आई कैप, के कैप आई कैप, के कैप आई कैप, के कैप आई, अच्छा के कैप आई कैप, जे कैप होता है तो ये भी प्लस ही रहेगा फिर इसके आगे, क्योंकि पॉजिटिव है ना, के कैप आई कैप, तो ये हो जाएगा हमारा जे कैप। आगे पी जेड क्यू आई, पहले साइन नहीं लिखने का, पी जेड क्यू आई, अब देखो पी जेड, पी जेड क्यू आई मैंने लिख दिया, के कैप जे कैप, के कैप जे कैप, के कैप जे कैप, माइनस आई कैप, यहाँ माइनस लिख दो, यहाँ लिख दो आई कैप। आगे पी जेड क्यू जेड, पी जेड क्यू जेड, पी जेड क्यू जेड, अब देखो यहाँ के कैप के कैप, के कैप के कैप, मतलब ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, इसको लिखते हुए मतलब नहीं है, ये पूरा ही क्या हो जाएगा, जीरो, क्लियर। अब गाइस अब तुम्हें एक चीज क्या करना है, जितने के वाले हैं, जितने आई वाले हैं, जितने आई मतलब जितना आई कैप है, जे कैप है, के कैप है, सबको एक साथ लिखना है, सबको कैसा लिखना है, एक साथ। तो ध्यान दो अच्छे से, सबको हम एक साथ लिखेंगे। अब देखो इसके अंदर मैं यहां लाइन बना देता हूं, के कैप वाला अलग कलर देता हूं, ये हमारा के कैप है, और के कैप और कहां है, यहां है, और के कैप कहां है, अच्छा दो है, फिर इसके बाद अलग कलर, आई कैप कहां है, जे वाला, ये जे है, और जे कहां है, ये जे है, ये देखो जे कैप, फिर इसके बाद आई कैप वाला चेक करें, अब हम ये आई है और ये आई है, तो हमको सबको साथ में लिखना है, तो हम सबसे पहले आई वाले लिख लेते हैं, आई वाले देखो पी वाई, पी वाई क्यू जेड, ओके, माइनस माइनस पी जेड क्यू आर, ये हो गया हमारा सब आई, आई कैप बाहर निकाल लिया। इसके बाद गाइस अगला अगला दूसरा आई हो गया, अब जे वाला देखते हैं, जे जे वाला देखो कहाँ है, ये है जे और ये जे है, तो प्लस वाला पहले लिखना है हमें, पी जेड, पी जेड क्यू एक्स, जे है और ये भी, माइनस माइनस पी एक्स क्यू जेड, ओके, और सबका कॉमन क्या आ गया, जे कैप। देन आगे गाइस ये हो गया, फिर तीसरा हमारा के कैप, के कैप में सबसे पहले प्लस वाला पी एक्स एन क्यू आई, और दूसरा माइनस वाला किधर है, आ के, हाँ ये देखो माइनस, पहले प्लस वाला लिखेगा बाद में, और दोनों में से कॉमन निकाल देगा, पी वाई क्यू एक्स आई जे के, क्लियर गाइस। इसका यूज करके हम क्या फाइंड करते हैं, यूनिट वेक्टर, और सब में से हम कॉमन कॉमन प्लस प्लस प्लस, ओके, सब में से कॉमन कॉमन, हमने सब में से कॉमन निकाला, माइनस हुआ, प्लस वाला पहले लिखा, माइनस वाला बाद में, प्लस वाला पहले, माइनस वाला बाद में, प्लस वाला पहले, माइनस वाला बाद में, तो ये हो गया अपना फाइनल रिजल्ट। हमने आई का जो आई कॉम्पोनेंट है उसका फाइंड कर लिया, जे का फाइंड कर लिया, के का फाइंड कर लिया, इस तरह से बहुत सारे न्यूमेरिकल्स फाइंड करेंगे, इवन न्यूमेरिकल्स में डिटरमिनेंट्स फाइंड करने के लिए आता है, P बार क्रॉस Q बार ऐसे करके आता है, तो हम क्या लिखते हैं, I कैप, J कैप, K कैप, तीनों कॉम्पोनेंट का लिखेंगे, P ऑफ X, P ऑफ Y, P ऑफ Z, देन क्या Q ऑफ X, Q ऑफ Y, Q ऑफ Z, ये हमें डिटरमिनेंट फाइंड करने के लिए आता है, ये आपको याद कर लो ये फॉर्मूला, ये कभी कभी न्यूमेरिकल्स में पूछा जाता है, न्यूमेरिकल्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, I कैप, J कैप, K कैप, तो P ऑफ X में क्या, P ऑफ Y में क्या, P ऑफ Z में, उसकी सबकी वैल्यू रखते हैं, और फाइनली P क्रॉस P बार क्रॉस Q बार हम डिटरमिनेंट्स के फॉर्म में फाइंड करते हैं। तो भाई ये हमने फाइंड करके ये रिजल्ट दे दिया, मेरे ख्याल से सभी चीज आपको क्लियर, यहाँ मैंने सॉल्व करके दिखाया,
और सबसे अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसके अंदर ये है गाइस, आपको समझ में आया प्लीज वीडियो को जितना हो सके लोगों तक तो शेयर करो पहुंचाओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद दोस्तों।